like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Hello, hello. हेलो गाइज, वेलकम टू द स्ट्रीम. लेट्स सी क्या चल रहा है सिटी में. एक मे बी एक ही दिन हुआ है, मे बी आ नहीं पाया एक दिन, बट आज करते हैं. तो भाइयो बहनों, देखते हैं हिबा सिटी में है या नहीं है. थोड़े टाइम तक तो काम कर ही सकते हैं, यही था शायद. भाई बहुत तेज आवाज है. अरे मैं ट्रेन स्टेशन पर हूँ, मुझे लेने आओ ना. हेलो जल्दी आओ, मुझे हेलो हेलो. कनेक्ट आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी? आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है? अब आ रही है. हाँ हाँ बोलो ना कनेक्ट. नहीं, वो आपको सीवी और वो भेजा था, आई थिंक आपने चेक किया होगा. यार सीवी तो चेक नहीं किया. एक काम करो, मैं ना ये गोल्डी की भर्ती कराने लेके जा रही हूँ विजन न्यूज का स्टेट में. एक काम करो, तुम स्टेट में आ जाओ, सिटी हॉल आऊं तो मतलब गोल्डी. हाँ. अच्छा ज्वाइन कर रहा है विजल न्यूज. हाँ गोल्डी को भी चांस दे रही हूँ, अगर ये पनौती ठीक से काम नहीं करा तो उसको निकाल दूंगी मैं. नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है. तो स्टे लाइक किधर आना है? तुम एक काम करो, 5 मिनट से सिटी हॉल पहुँचो. ठीक है सिटी हॉल, ठीक है मैं प्रोसेस करवा देती हूँ मैं. ठीक है तुम वही हो ना जिसने कैमरामैन के लिए वो किया? यप 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 यप. ठीक है ठीक है, आ जाओ 5 मिनट से सिटी हॉल आ जाओ तुम. ठीक है ओके. हेलो ठीक है ठीक है, आ जाना. चलो बाय. कांग्रेचुलेशंस. एक बंदा है. अरे हेलो, उसको उसको टैक्सी में सिटी हॉल छोड़ दोगे? हाँ छोड़ देंगे, $100 लेंगे. क्या हुआ? $100 लेंगे. हुआ क्या है? पैदल चला जाऊंगा भाई. जाओ चले जाओ भाई, अब बाहर में जाओ फिर. साले क्या फ्री में, हमने क्या धंधा खोल रखा है तो फ्री में चलाते रहेंगे भाई. सिटी हॉल के $100 भाई कौन लेता है भाई. पैदल चल जाऊंगा भाई, टैक्सी वाला पता नहीं क्या है भाई, बेइज्जती भी कर गया, चला भी गया. पता नहीं चोटी कौन मान के चल, अभी खुलवानी है बस. हेलो हेलो सर, आप सिटी हॉल तक ड्रॉप कर सकते हैं मेरे को? आ जाइए आ जाइए, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए. थैंक यू सो मच सर. फ्री टैक्सी चला रहे हैं इन्हें बोला है. आज सर रिपब्लिक डे है ना? हाँ जी हाँ जी. अरे सर आप जैसे अच्छे लोग पता नहीं कहीं मिलते हैं. पता नहीं अभी एक कोई तो बच्चों की आवाज जैसा लग रहा था है ना, और बच्चा ही लग रहा होगा, बच्चा ही होगा मे बी, क्योंकि पूरी तरह बात हुई नहीं. टैक्सी में बैठा था, मैंने कहा सिटी हॉल तक छोड़ दोगे? कहते $200 लूंगा. मैंने कहा भाई मैं पैदल चल के चले जाऊँ, बगल में तो सिटी हॉल है. कहता फिर भग जा, बड़े बदतमीज बंदे थे, बड़ा जलील करके भेजा मेरे को. अरे 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 वही ना, कोई नहीं सर. अरे आप जैसे भले लोग मिलना मुश्किल है. ये बात तो है, अभी क्या करें, है सिटी में थोड़े लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हर जगह होते हैं. बच्चों को बिल्कुल तमीज ही नहीं है. ये तो हर जगह होते हैं, तमीज नहीं है. बच्चों को बिल्कुल तमीज ही नहीं, तो हर जगह तमीज नहीं है. तुम्हारा नाम से है टैक्सी ड्राइवर? माय सेल्फ डेविड डुगेट सर. डेविड भाई अच्छा लगा मिलकर आपसे. हाँ सर, आप मम्मी भी. आपका नाम बताइए. मेरा नाम केनित है. केनित KENNIT KENNETH एक ही खा गए थे आप. वैसे वही है, सिमिलर प्रोनाउंस एक ही होता है. यप यप यप. हाँ अब जो समझ में आया उसको बता दिया. इसलिए क्या मैं भी ऐसा अपना आईडी कार्ड है ना ऐसा सामने आदमी के रख देता हूँ तो कोई दिक्कत ना हो आदमी को, समझ रहे? वो तो है. ये लीजिए सर, आपका शॉप आ गया. बार्बर शॉप भाई. बाल कटाओगे? 20 मिनट बस आया मैं. आए भाई. अच्छा वापस आ रहे बाल कटा के? जी जी ठीक है ठीक है. तो सर आप क्या आईडी कार्ड लेने जा रहे हैं क्या? नहीं सर, उधर मतलब किसी ने बुलाया है तो उधर जा रहा हूँ, एंड आईडी कार्ड और वो भी अगर बनवा लूंगा अगर वहाँ पे लाइक कोई एम्प्लॉय हुआ तो. हाँ नहीं वहाँ पे है मिस्टर जेम्स है, वो आपको बना के दे देंगे, वो हमेशा रहते हैं. वैसे कुछ पे लेते हैं या लाइक क्या होता है? I think $500 से $500 charge है. Okay.
हमेशा रहते हैं मतलब, जाते नहीं है कहीं पे वो? नहीं, हाँ जेम्स जो रहते हैं वो पूरा अपना 24/7 ड्यूटी देते हैं वहाँ पे। हाँ ओके, तो मतलब हम जेम्स से ले सकते हैं ना, लाइक जब भी जी हाँ जी जेम्स करके? हाँ जी ओके हाँ जी हाँ जी। चलिए सर सुनवा लिए जी, खुलवा ली बात आपने? अरे दरवाजा दरवाजा बंद कर दीजिए सर। हाँ बंद कर लिया, सोई दी सकती बात नहीं है, चलते नहीं रहने नहीं कोई दीजिए। दिक्कत नहीं, वो क्या गिर जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता, समझे? हाँ समझ ले समझ। ऐसा रेपुटेशन कम आता है ना टैक्सी पे, इसलिए अभी हम सोचते हैं कि नया एक्सीडेंट निकालते। एक्सीडेंट करते हैं। वही 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 चलाते थे हम भी हैवी ड्राइवर की तरह, लेकिन वो क्या हमारे बड़े साहब है ना, उन्होंने हाँ टैक्सी का स्पीड ही कम कर दिया तो है ना, और टैक्सी का वेट बढ़ा दिया और एक्सीलरेशन टॉर्क कम कर दिया, ये भी सही है। बताइए। तो अब हम चला भी नहीं पाते, और वैसे भी चलाना नहीं चाहते थे लाइसेंस के बाद, लाइसेंस से पहले चला लेते थे चुप्पे से, ना कैंसिल हो जाएगा ना लाइसेंस। ये लीजिए सर थैंक आपका यू आ सर। गया, ये वो अच्छा आप भी उधर ही जा रहे आपको, हैं? अच्छा वो नहीं जेम्स नहीं सर मुझे वही तो होते कुछ हैं ना, काम वो नहीं वहाँ है। पे सामने बस खड़े रहते हैं। हाँ खड़े रहते हैं। हाँ जी ओके हाँ जी ओके हाँ जी, थैंक आई यू। थिंक नीले बाल है क्या है उनके। चलते हैं भाई हम आराम से, क्या तुम यार प्लीज अन छोड़ दो अब। सीन चल रहा है बस वो देखते हैं। भाई कांच वाँच तो एकदम सेक्सी एंड सब लग रहा है, यही है आई थिंक जेम्स, आइडेंटिटी। ले लू गया आईडी कार्ड, आई डोंट थिंक सो, ये जेम्स ही है क्या? वैसे बंदों ने तो खैर यही बताया। इनका नाम तो कहीं लिखा हुआ दिख नहीं रहा मेरे को। ओ होता है, गाइज मैं 1 मिनट आया, मेरे को 1 मिनट देना ठीक है। भाई एकदम वापस आ गया, बाहर वेट करता हूँ और क्या, 5 मिनट तो हो गए। ये सिटी हॉल ही है ना अपना? वैसे तो कोर्ट हाउस है, होना तो खैर ये चाहिए। वैसे मैंने तो सिटी हॉल ही बोला था उसको, और इसने कहा कि जेम्स भी रहता है यहाँ पे। आई थिंक आई एम लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूज, क्या पता क्या चीज़ है भाई, लेट्स सी। नोट ही नहीं किया क्या अभी तक? चलो चला जाएगा। मगर देखा जाए तो यार क्या लगता है, मतलब सिटी हॉल कहीं और है क्या? एक कॉफी शॉप है आई थिंक।
जीपीएस शो यार, बोला सिटी हॉल, मतलब क्या सीन चल रहा है? मैं पूछता हूँ एक बार कॉल करके कि आप हो क्या उधर। अरे केनेथ, मैं अपने यार कॉन्टेक्ट्स में तुम्हारा ही नंबर ढूंढ रही थी। है नहीं क्या? नहीं, मतलब ये नीचे जा रही थी, स्क्रॉल कर रही थी। देखो यार, ये तुम्हारे साथ जिसको भर्ती कर रही हूँ ना, उसका कुछ एनओसी का इशू है यार। ओके। अच्छा, हाँ तो रुकना पड़ेगा यार, तुम एक काम करो, तुम पीडी आ जाओ, मैं पीडी आ जाऊँ? पीडी आ जाओ। गोल्डी कहाँ लाइक जा रहा है? बट जो एनओसी वेनओसी है वो तो आई थिंक मेरे पे भी नहीं है अभी, बिकॉज आपने सिर्फ सीवी मांगा था फिलहाल के लिए। नहीं, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? नहीं, क्रिमिनल तो कोई रिकॉर्ड नहीं मेरा। हाँ, ऐसा गोल्डी का है थोड़ा कुछ, है ना, तो ओके उसका ओके एनओसी का ओके सीन है। हाँ तो ओके। लेकिन मेरे को उसको भर्ती कराना ही किसी भी हालत में। तो एक बार बस वो पुलिस की वजह से ना, वो लॉयर को भी बोल रहा था, तो हाँ बस जी वो एक बार मेरे को क्लैरिफिकेशन हो जाना, ठीक है? तो उसका टेंशन मत लो, हम लोग सब यही है। ओके। नहीं वो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। मैं आता हूँ पीडी फिर। आ जाओ पीडी, आ जाओ। चलो भाई पीडी भाई। ये लॉक पिक तो कोई है नहीं किसी टैक्सी वाले। रायन, रायन होगा क्या सिटी में? 62.62। हेलो रायन, सिटी में है? हेलो रोन, प्ले व्हाट्सअप शाउट आउट दे दो। अरे रोन भाई, तू क्या शाउट आउट लेगा भाई? हम अभी, और मैं क्या शाउट आउट दूंगा भाई? फिर भी भाई रोन प्लेज भाई, बिग शाउट आउट टू यू मिर्जान। मेक श्योर के तुम लाइक और भाई शेयर तो जरूर करना। अभी मैं एक बार देख रहा हूँ कि कोई टैक्सी वाला बमचा मिल जाए। टैक्सी चले हो तो बोलना मेरे को। ओके लो भाई टैक्सी चाहिए, फोन करता हूँ मैं। हेलो हेलो। सर, अभी फ्री हो क्या आप? हाँ जी सर, सर आई एम वेटिंग एट द कोर्ट हाउस, आप मेरे को यहाँ से पिक कर सकते हो? कर सकते हैं सर। तो सर कोर्ट हाउस आ जाइए मेरे को, लाइक रेंटल कार तक जाना था। अच्छा, ठीक है ओके सर। लाइक कितनी देर लगेगी आपको पहुँचने में? सर अब मेरे को ज़्यादा ज़्यादा 2-3 मिनट दीजिए, मैं मतलब मैंने बैक कर लिया कार वहीं के लिए। ओके सर ओके। लव यू ब्रीदर। अरे लव यू टू ब्रीदर। आईपैड से ही हो? अच्छा आईपैड से है क्या? तो पीसी से आ जाता। पीसी से आ जाता। बाकी यार एक बंदा होर था यार, उसे फोन करके जरा पूछू आज कुछ लीगल विलीगल टाइप कुछ है क्या? नहीं, कहाँ है वो? क्या नाम था उसका? स्टार्क, स्टार्क समथिंग कुछ नाम था उसका। स्टीव स्टार्क। हाँ भाई, मेरे बंदा तो सिटी में ही नहीं है। लेट्स कॉल इट वू। क्लास है? अभी इस टाइम पे कौन सी क्लास होती है? इस टाइम पे कौन सी क्लास होती है यार? मैं मतलब वो ने फोन नहीं उठाया। रायन भी होगा फिर तो, आई थिंक सो। कब इधर ही मरा रहे हैं भाई? फिशिंग। क्या कर रहा है? और क्या वो हुआ क्या कर रहा केनेथ? है? वो क्या कर रहा है? फिशिंग फिशिंग, वो भी तो फोन नहीं उठा रहा था, वो माइंड में है क्या वो? वो भी फिशिंग कर रहा, उठा नहीं पाया। क्या ओके हुआ, लीजन जाना है क्या सर? हाँ जी सर। चलिए, अरे नहीं, वो किसी ड्राइवर से बात कर रहे थे, टैक्सी वाले भैया आ रहे से। क्या? देखता हूँ अभी आ रहा, थोड़ा फ्री हो के। तुम रेडियो पे नहीं हो क्या? उस पे जो अपना नहीं, हम है, किसी और रेडियो पे, वो कौन से रेडियो पे बता दे। बता नहीं सकते, वो तो कौन से पूछना पड़ेगा, 8 है सही लिए क्या? किन से पूछना पड़ेगा? जिन, अरे वो थोड़ा उसका रेडियो है, समझ। थोड़ा चलो कोई ना, मैं देखता हूँ, आता हूँ थोड़ा। तू इधर आ, पियर पे आ, बात कर ले एक बार। पियर, पियर 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 पे हो रही है क्या अब फिशिंग? डेल पेरो पियर है। हाँ ओके चल मैं आता। डेल जी, पेरो पियर अपना, वो बड़ा वाला पियर है छोटा पियर? जो झूले वूले सर होते रेंटल के हैं पास छोड़ दो सर।
जहाँ पे झूलो। चल ठीक है, आता मैं। और बताइए सर, सर बस बढ़िया, आप बताइए। आज तो कैसे सर, मतलब इंडियन है क्या आप या जी फिर जी ये यहाँ से ही हैं? गुरु गुलाब खत्री नाम है सर। ओह, तो सर 26 जनवरी है सर, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये लीजिए सर कितना आपका हो गया पैसा। सर आपका पे? सर दे दीजिए $200 दे दीजिए, कितना सर? 200 डॉलर सर। सर $200 कौन लेता है वहाँ से यहाँ तक का? सर आप बताइए फिर कितना कितना सही रहेगा आई सर। थिंक सर 100 इज इनफ। मैं 100 में गया था, 100 ले लीजिए। ठीक है सर 100 दे दीजिए फिर पेपर बताइए सर अपनी। सर। लूट सिक्सटी लिया भाई सेवन मेरे को। सर कितना है? 60 योर पेपर, व्हाट्स योर सिक्सटी पेपर सेवन भाई? ठीक है बताइए। सर। यप, हाँ भाई ठग लेते हैं भाई लोग मेरे को, भाई क्या ही करूं मैं। डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पे इतना भी पैसा नहीं है भाई। वैसे पैसे तो नहीं है मेरे पे, सब कुछ वो ही लग जाते भाई उस चीज में, अब क्या ही करें। पांच तो निकाल ही लेते हैं। खैर अगर मैं अभी करूंगा तो मेरे पास 40 तो हो ही जाएंगे। खैर मेरे पास पर फ्यूल नहीं है, मुझे फ्यूल का टेक केयर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हर बात में उंगली करना है भाई खैर मेरे पास लाइसेंस लाइसेंस है नहीं, फिर भी चलो। रोमन ने भी कल अपने आप खरीदा है तो वो कर लेना। रोमन ने भी अपने आप खरीदी थी, खरीद लो एक बार टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी क्या परमानेंट ही चाहिए तो भाई। और बताओ यार क्या चल रही है? चलिए भाई। हाँ ड्यूटी इज गोइंग प्रीटी फाइन, कल तो ट्रेनिंग वगैरह हुआ सर। आप आगे अच्छा थे नहीं? डीए हाँ के साथ आपको कांटेक्ट करना होगा, देन जज परमिशन तो देगा प्राइवेट आपको। लॉयर या स्टेट लॉयर सर? स्टेट लॉयर। अच्छा स्टेट स्टेट लॉयर से लॉयर परमिशन लेके मुझे वो लाइक फिर वो जज से परमिशन अरमान देगा। गेमिंग हेलो, चल भाई ओके मैं फिर वो जैसे मीट यू अप्रूव आफ्टर होगा क्लास, कोई फिर मैं दिक्कत आ नहीं। अरे सकती यार हूँ है बात, ना, एंड आई वेलकम टू जस्ट द स्ट्रीम रियलाइज मेरी माय जान। माय भाई खाना दो कोई आप लोग जेल के फूड चाहिए क्या? खा यार, खाना ही है, खाना पानी तो है ही नहीं। ये लो ये लो। देखो सर ये खाना लो, खाना आ जाओ होता सब है, खाने की बेइज्जती ये मत। लो ये लो। खाओ खाना तो खाना है। हाँ खाना भी कुछ ज्यादा नहीं दे दिया। दिया गुल्डी अरे की सर तरह वो है कंप्यूटर पे भाई, आप ही का टकला है पैसे क्या? दिया है बेबी। नहीं नहीं यार वो मेरा नहीं है। अच्छा, ये भाई गोल्डी की तरह दिखाओ। वाइट शर्ट भी यही सेम था ना, थोड़ा इसलिए किधर कंफ्यूज है? ओ मेरा अरे वो ही। पीछे तुम खड़ा दोनों की था। आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। किन की? नहीं ये मेरी नहीं आ बोल रही नहीं यार, रहा गोल्डी तो, आई मेरी थिंक अब आ तो। रही है। हाँ, गोल्डी कुछ बोल नहीं रहा। अच्छा एक बात बताओ, ये वन ऑफिसर फिफ्टी मना कर फिश सकता है आपको ग्राइंडर डिलीवरी है, करने में? बेच तो लेता। अबे वो समझ दे, देख देख लेता पहले, फिश नहीं आओ, हाँ फिश अब बेट है ऐसे अभी, कुछ आप पकड़ना बाकी है। बता फिर हम जरा इसको उछाल चमन अरे अरे हाँ भाई अभी जाओगे ग्राइंड करने, पहले पूछो नहीं हेबा से। नहीं पुलिस ऐसा मना नहीं कर सकती है ना, एनओसी नहीं दे रहे हैं। मना नहीं कर सकती अगर बंदा उसको ये मैडम को देखो भाई सेल्फी लेनी है यहाँ पे। सेल्फी नहीं, मैं आपका फोटो खींच रही थी लाइक बट उन्हें एनओसी दे क्यों नहीं रहे, मना क्यों कर रहे हैं? वो ये दे रहे हैं कि इमैच्योर सिटीजन है भाई, अरे बट उन्होंने अगर कुछ क्राइम किया था, जो उन पे क्राइम है उसका उन्होंने अगर प्रिजन काट लिया है तो फिर तो उन्हें एनओसी इसके मिलनी बाद चाहिए फिर ना। भी ना गोल्डी जी कुछ कर रहे हैं, टैकल वगैरह मार रहे हैं ऑफिसर्स को, तो ये भी बात गलत है ना। हाँ खैर वो दूसरी साइड पे देखा तो गलत है, अगर अपन को कोई काम उनसे कराना है। मेरे वही को क्यों इनको ये कॉल भी कर रहे समझना हो हे चाहिए। बाप? अच्छा तुम ही हो क्या करने? मतलब क्या बोलूँ मैं तो ये बात समझना अरे चाहिए सॉरी ना, अब ऑफिसर को मेरे सामने टैकल मारे आ रहे हैं हाँ यार और टैकल फिर तो नहीं करना क्या चाहिए। दिन आ गया। फिर ऊपर से मेरे से ही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक दो वर्ष अगर मैंने गलत बोल दिए तो एक जल्दबाजी सेकंड में मैं जरा गलत फोन निकल में एक गया। वीडियो देख लिया हाँ जी पता नहीं फिर कहाँ वो उड़ तो गया गलत गोल्डी बात जी। है। एनीवेज मैं आते ऑफिसर रहेंगे जिलन से बात करता हूँ। हाँ यप कौन है? वो भी जा रहा तोड़ के
और आहरा कैसे हो? यार क्या ही बोलूं, मेरे ऊपर क्या ही, मेरी जिंदगी में अभी पनौती चल रही है। आप पे भी केस कुछ हो गए क्या? हाँ केस हो गया। क्या केस हो गया? अरे मतलब अभी केस हुआ नहीं है, बेसिकली मेरे को ऐसा प्रेजेंट किया गया कि मैंने एक डॉक्टर का मर्डर किया है। तो क्या नाम है डॉक्टर का, मतलब जिसका ये पूरा वो लग रहा है आप पे? पता नहीं, कुछ पता नहीं है। आई जस्ट मैंने डिफेंस किया खुद को। लाइक बट हाउ, लगा कौन रहा है, लाइक केस कौन पुट कर रहा है आप पे ऐसा? अरे एक जने ने ऐसा बोला कि यू नो पुलिस आई तो कि इस लड़की ने मेरे ऊपर पॉइंट करके डॉक्टर को मार दिया। अरे भाई साहब, विदाउट एनी विटनेस? नहीं, उन्होंने देखा ना मुझे मारते हुए। नहीं बट वो झूठ भी तो बोल सकते हैं, उनके पास कोई आई विटनेस भी तो होना चाहिए उस बंदे के अलावा जो केस कर रहा है। अच्छा वो वहां पे था लेकिन उसने ये नहीं देखा कि सेल्फ डिफेंस का। एक सेकंड एक सेकंड। हेलो हां भाई, उसने देखा फिर सेल्फ डिफेंस। कैमरा में फिल्टर यूज करते हो भाई, बंद करो भाई। क्या हुआ? कौन सा बंद करो तुम, तुम्हारे कैमरे का कौन सा वाला बंद करना बताइए। कितना यूज करते हो मियां? कुछ यूज नहीं करता मैं। बिना फिल्टर कैसा दिखता है तुम्हारा कैमरा? लाइक वो थोड़ा लाइक नेचुरल लेंसेज लगाए हुए है ना। अच्छा जरा बंद कर दो उसको, जैसा है वैसी ठीक है हमारा शहर, समझ रहे हो? जैसा एकदम वैसा चाहिए क्या? ओके जैसी तुम्हारी मर्जी यार। देखो तुम नहीं नहीं अब चाहिए आपको ना, मतलब मैं तो अप्लाई कर रहा हूं, जैसा आपको पसंद आएगा वैसा कर दूंगा। नहीं ऐसा मतलब देखो तुमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या पता तुम्हारा लाइक कैमरा। ना ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बट ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बट ये मतलब यू नो लेटेस्ट लेंसेज है जो अभी मार्केट में रन कर रहे हैं तो मैंने जस्ट वही लगाए। मैंने भी लगाए थे, सोचा था मेरे को टट्टी लगी लेकिन सबने बोला हां लेटेस्ट लेंस आई है कैमरे में, आई वाज लाइक नहीं भाई मेरे को पसंद नहीं है वो। बट ठीक है बट लाइटनिंग जो है वो एनहांस कर देते हैं लेंसेज, बाकी कुछ ना करे वो डिपेंड नहीं है बट लाइटिंग एनहांस करते हैं काफी ये लोग। चलो कोई बात नहीं, ठीक है एक दो न्यूज़ बना के दिखेंगे अगर जैसे जैसे चलता रहेगा। ठीक है। अरे पर उसने देखा, उसने बोला नहीं कि सेल्फ डिफेंस में मारा करके? अरे किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा कि पहला मौका किसी ने मारा तो चिल मार दिया। ठीक है कैसे आ गए इन लोग? तो वही तो बात है, अपने पास सबसे बड़ा एडवांटेज है किसी ने नहीं देखा चिल मारने का। हां फिर किसी ने कुछ नहीं देखा, मारी नहीं हम लोग जब भाग रहे थे ना हंस हंस के मैं और आप, तब उन लोगों ने सुन लिया बोलते हैं कि तो मैंने पता है क्या बोल दिया कि मेरा हंसी वाला रिकॉर्डिंग नहीं था वो चल रहा था बेसिकली मेरे फोन पे। ओही भी ठीक है, नहीं लाइक बोलना तो चाहिए ना लाइक। इतना ऑब्सेस्ड कौन रहता खुद से? अरे ना ना वो हैबा के फोन पे चल रहा था। अच्छा या कहने देखो अपने दोस्तों को हमेशा नजदीक रखा करो, ठीक है सबको एक्सपोज करने की जरूरत नहीं तुम्हें। अरे हां जी आ गए। हाँ, आगे गोल्डी। हाँ बोलो क्या हो गया था तुम्हारे आवाज का? कुछ नहीं वो दिक्कत होती है। हाँ तो देखो अब मसला ये है कि उसने मना कर दिया एंड ऑफिसर बिल्कुल मना नहीं कर सकता। तब वो लॉयर बोला कि कैप्टन को बात करेगा तो आई डोंट थिंक उसको बात करना चाहिए, वो डायरेक्ट उसको लेटर भेजना चाहिए। वही ना ये डायरेक्ट बात क्यों भाई, वो एक ऑफिसर मना नहीं कर सकता। वही नहीं बट लाइक लॉयर पूछने पता गोल्डी को तो एनओसी। हाँ जी वो तो मिल जाएगी बट लाइक जो लॉयर जो बोल रहा है कि मतलब ये पीडी वालों को टैकल कर रहे हैं एंड उस कारण वो लोग इनके बिहेवियर में वो कुछ नोटिस कर रहे हैं कि इसलिए नहीं देना चाहिए तो वो लोग फिर अपनी साइड पे सही है अगर उन्हें डिफेंस चाहिए तो। अपनी साइड पे वो लोग कुछ भी किसी को हॉर्न बजाते रहे वो अपनी साइड पे ठीक है, वो किसी को भी टैकल कर ले। अरे पर गोल्डी भाई आप एक बात समझिए ना, आपके मतलब एक बात बताओ, अपनी बात सुनाने के लिए किसी को टीजर करना वो सही है ठीक है, पीडी कर सकती है क्योंकि पीडी को वर्दी मिल गई है। ओके है क्यों पीडी के पास राइट्स आ गए पावर आ गई है। हाँ जी वो अपनी बात सुनाने के लिए किसी को टीजर मार के खड़ा कर सकती है कि हाँ मेरी बात सुनो। ओके
और अगर हमने टैकल कर दिया तो भाई अब इसको ये नौकरी करने का ही अधिकार नहीं है, अच्छा। शहर में रहने का ही अधिकार नहीं है। अब इसको आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपकी पूरी वो फीलिंग समझ रहा हूँ कि आपकी फीलिंग क्या है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, बट बात वो आ जाती है ना कि उनके पास वर्दी है, उन्हें जो चाहिए था वो उन पे है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए चीज, अपन को चाहिए तो सामने से पोलाइट अपन को रहना पड़ेगा जब तक अपने पे वो चीज नहीं आती, आप भाई समझ रहे हैं। एक बात बताओ, जीने का अधिकार सबको है कि नहीं है? अरे जीने का अधिकार हाँ, गोल्डी भाई सबको है। दूसरी चीज, दूसरी चीज, ये कोई हमारे लिए कर रहे हैं नौकरी या इनको भाई सरकार बना दिया कि ये हम को इनसे दबके रहना है? नहीं यार अरे गोल्डी भाई देखो, हर चीज करने का ना पे होता है, अगर आपको इनके क्या कहते सर्विस पसंद नहीं आ रही तो आप फॉर्मली कोई लेटर किसी के थ्रू भेजिए या फिर इलेक्शन में खड़े होके खुद मेयर वेयर का जो भी होता है वो बनिए और पीडी बदल दे। कि इनको तो मिरांडा राइट तक नहीं आते। हाँ जी हाँ जी, वो आप जो कर रहे हैं वो आप राइट तक नहीं आते। बोलती हूँ मैं कह रहा हूँ ना, हो जाओ दे आज हो जाए, मैं कह रहा हूँ जो आप कर रहे हो वो हो जाए। नहीं नहीं इनसे बोल रहा हूँ, ये पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, वो तो पता है जो हो जाए वो कर दो आप, बट ये जो आप दूसरों के सामने रेज में मतलब जैसे किसी ने बोला कि टैकल कर दिया पीडी वाले को, ये सब जो कर रहे हो ना ये बहुत ही ना मतलब प्रोफेशनल नहीं लगता, एंड इससे वो लूप होल निकल जाते हैं। वो क्या कह रहा था भाई, आवाज अपनी धीमी करो नहीं तो तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो आप एक बात तो सुनिए, ये मेरे सामने प्रूफ है, ये साथ में नहीं नहीं वो मैं समझ, देखो ये आपके सामने वर्दी मिल गई तो मतलब किसी को भी फालतू में कोई भी क्राइम लाल के जेल भेज दूंगा। आज भाई फिलहाल तो अच्छा चलो आप ये देखो कि मतलब ये सब लोग प्रूफ है, उन्होंने अगर कुछ गलती कर दी तो अपन गलत होके सेम ही बात हो जाती है। सर जी कमाल क्या होगा, टोक्यो ने सिग्नल तोड़ा, उसको $500 का फाइन दे दिया और बोलते 25 पुशअप मारो रास्ते के बीच में। टोक्यो वाह, लड़की से 25 पुशअप, आप बताओ ये पुलिस है? फोन करे बोला बताओ बताओ आप ये पुलिस है? बताओ आ जाओ बैठो बैठो, मैं टोक्यो पुलिस बुलाता हूं। बाप रे, तो सर भाई इनका तो मैं बजा के रहूंगा, खेल ये इनका चल क्या रहा ड्रामा। नहीं नहीं मेरे पे बाइक है, मैं मेरे को लोकेशन बता दीजिए मैं आ जाऊंगा, बाइक है मेरे पे। कहां जाना है अपने को? Tokyo? मेरे को क्या पता। अरे मैंने सुना तुम्हें इन्होंने पीडी वालों ने पुशअप कराए थे 25। इधर इधर आ, इधर आ, उधर मत जा, उधर मत जा। ये बोला था ना इन्होंने, किधर हो? हाँ जिलन ही है ना ये, ये टोक अपना हैबा, ये जिलन ही है। आ गया गया, लॉयर है, हैबा तुम पीडी आओ, अपार्टमेंट चल जाओ। लेकिन हैबा नहीं है, वो टोक्यो है। पीडिया पीडिया जल्दी पीडिया, हाँ इधर आओ अपना पीडी आओ एक बार। लॉयर सर सिग्नल तोड़ने के लिए पुशअप कराने का कानून है? अरे इन्हें मैं बताता हूँ, मैं लॉयर के सामने, मैं इन्हें फोन करके करवा भी सकते हैं। करा सकते हैं, ये क्या बात हुई भाई, कल को कुछ भी करा सकते हैं। हाँ अरे ऐसे थोड़ी कुछ भी थोड़ी करा देंगे। हाँ गोल्डी जी बोलिए, आप कहे चिल्ला रहे हैं फोन पे? बोलिए बोलिए क्या कह रहे हो, क्या हो गया, आप कहे चिल्ला रहे हैं? एक लड़की को ये पीडी वाले सिग्नल पे रोक के 500 का फाइन लगाते हैं और फिर कहते हैं 25 पुशअप करो। अच्छा ये बोल रहे हैं, करा सकते हैं ऑफिसर, ऑफिसर करा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर। 500 का फाइन काट के सुनो, खैर ठीक है, लेडी पुलिस नहीं थे उधर, लेडी पुलिस नहीं थे उन लोग को, उसको पकड़े थे तभी, ठीक है। बोलो, और $500 वैसे भी ज्यादा हो जाता है सिग्नल के लिए, $500 और फर्स्ट टाइम, ठीक है। हेबा जी आप जो साइड आइए। हाँ सर बोलिए ना, मेरे सामने बोलो ना। अरे एक मिनट मैं चुप हूँ, बोलो तो सही, क्या है पता तो चले। अरे क्या तो भी है भाई, हाँ सभी को आना है तो मतलब हटे ही क्यों वहाँ से हम पे। हाँ तो वही ना, तो हम चुप है, आप बोलिए कि ना, थोड़ा सा दूर हो जाइए आप। ये भाजी आप आइए, स्टीफन भी नहीं है भाई अभी सिटी में, भाई आज कोई रेस वेस नहीं है क्या? आइए एक सेकंड, व्हाट इज दिस, क्यों भाई क्यों दूर रहा हूं? एक मिनट टोनी, एक मिनट रुको टोनी, एक टोनी एक मिनट रुक जा यार, मेरा केस का मार्टर है, एक मिनट रुक जा टोनी। कोई ना गोल्डी भाई आओ पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ टोनी एक मिनट आ जा यार, टोनी आ जा एक मिनट आ जा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करने दो, करने दो, करने दो। वैसे भी हेबा तो आप लोग की दोस्त है ना, अच्छी बता देंगे आपको जो भी बोलेंगे, एक मिनट रुक, छुपना थोड़ी कुछ, क्या सीन है इनका, क्या चल रहा है यार। अरे वैसे गोल्डी भाई आज कोई रेस वैसा कुछ सीन है आज इस चीज का आपको पता होता? माइकल या स्टीव को ही मालूम है मेरे को। अरे गोल्डी अभी मत जा रेस पकड़े पकड़े, ना ना मैं कहीं भी नहीं जा रहा यार, मैं करता ही नहीं वैसे भी। हां अपन ना भाई वही फिशिंग थोड़ा बहुत कर लिया बस,
और कुछ नहीं, ये रेस वेस का मैं जाता भी नहीं। अरे अच्छे से समझा रहा था यार, क्योंकि मैं था वो टाइम पे टोक्यो के साथ जब भी जो भी हुआ। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, यस ऑफिसर कुछ दे कुछ क्या हुआ? कुछ दे कुछ नहीं। हाँ जी क्या हुआ? आगे रिपोर्टर लग रही है मेरे को। हाँ है वह रिपोर्टर है। तो लिख रही है। चलो रिपोर्टर चुनती बन गई। इसने केस ना किया। अरे मेरे को एक बात बताओ, देखो एक कूल माइंड से सोचो ठीक है। सिस्टम के अगेंस्ट अगर आपको जाना है आप चले जाओ, पर वो ना थोड़ा लंबा रास्ता है सिस्टम के अगेंस्ट जाने का। सिस्टम के अगेंस्ट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं तो ऐसा इंसान हूँ सिस्टम को पूरा बजाऊंगा भी। हाँ नहीं सिस्टम को पूरा बजाओ मजा आएगा। एक भी बंदा इससे शहर में बात कर गया ना जिलन से, मेरा नाम बदल देना ठीक है। हाँ नहीं वो सब के सामने, ये सबके सामने माफी मांगेगा बस। मैं टारगेट कैसे किया इसने वो अच्छी बात है। मैं बस खाली वो बता रहा हूँ कि अगर आपको जैसे फिलहाल के लिए एनओसी चाहिए वो आपका मेन टारगेट है ठीक है। पोलाइटली वे ओके, अगर अपन सामने से तो थोड़ा झुक जाएंगे ना। इसने केस गलत किया था ठीक है। वो चीज वहां पे राइट वगैरह इसको खुद नहीं आते जो ये है, ये पुलिस वाला बना हुआ है और उसके ऊपर उल्टा मेरे को माफी मांगनी पड़ रही है। मेरे को नौकरी के लिए मैं वो भी करने को रेडी हूँ और फिर उल्टा बोलता है कि मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों भाई वो चीज तो गलत है। तेरे घर का कोई चल रहा है कानून चल रहा है यहाँ पे? तेरे घर का कानून नहीं है कौन वैसे ये क्या रहेंगे पता नहीं क्या आया कौन उठ के आ गया भाई। रैंक रूम तो कुछ होगी ना जिलन जिलन जो बोल रहे हो। नहीं पता इसकी कुछ भी लाइक हाई पोस्ट होगा तभी इस तरह से उछल रहा है। वही दिक्कत है बोल लेता भाई। इसका कोई सीनियर अगर आ जाए ना सिटी में कभी तो उंगल मचेगी इसके। अरे मैं सिटी में हाँ, मैं इसको मैं जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये साला बंद समझ क्या रहा अपने आप को। सीन देखो देखो आपको एक सीन बताता हूँ। अभी सीन क्या है, अभी सिटी में ये लोग उछलेंगे। अरे घंटा क्योंकि उछलेंगे। क्योंकि अभी नहीं क्योंकि अभी इनका टाइम उछलने का। अरे रुको जरा टाइम टाइम की बात होती है। अभी रुक जाओ जरा दो तीन फोन घुमाऊंगा ना ना इनकी मैंने खटिया खड़ी कर दी तो बात रहेगी। साला कोई इनसे सीधे हूं बात नहीं करेगा। अरे एक बात बताओ गवर्नमेंट ये सब इन लोग को काय के लिए अपन देखो आ, मैं तो कहता हूँ देखो सिटीजन के लिए वही मैं कह रहा हूँ ना। जैसे एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ है। बोलिए बोलिए भाई साहब। हाँ तो ये जो है सिटीजन के लिए एक मिनट मैं बात करता हूँ। खिलाफ जा रहे इन लोग और कंप्लेंट आ रहे लिखे तो बोलते हैं कि ये मेरे को लॉयर बोलता है मेरी मान सुन ये जेडी है ना जो पुलिस वाला नहीं लिखेगा साला पर्सनल टारगेट कर रहा है। हाँ वो तो नहीं लिखेगा बोलते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ मैं कि जैसे इसने एक लड़की को बोला कि पुशअप कराओ ठीक है। वो लड़की भी दूसरे लोग की दोस्त होगी तो लेस चीज एक सिटी में एक मोटिव चलाते हैं कि पीडी को बायकॉट करो पूरा काम खत्म। भाई अगर सिटीजन ही नहीं होंगे तो पीडी क्या उखाड़ेगी? सिटीजन अगर पीडी की मदद ही नहीं लेगी तो पीडी उखाड़ेगी क्या? इसके अगर जेडी का तो मैं बजा के रहूंगा ट्विटर पे पीडी की मदद लेने वाले भी बहुत है क्या बोलो आगे पीछे घूमने वाले भी वो ऐसा नहीं हो सकता। चीज समझते हो ना तुम कि जैसे जिनका कोई नहीं होता मतलब लाइक जो दूसरे लोगों से तंग होते हो पीडी की चाटने आते हैं ट्विटर पे पूरा भंगा वो तो है वही चीज है बस। पर यार ये अपने लिए रहता है भाई पीडी वीडी सब सिटीजंस के लिए रहते हैं। हां सिटीजंस के लिए हो रहा है भाई ये अपनी अपनी जॉब को सीरियसली ही नहीं ले रहे। वो सिटीजन की सेफ्टी के लिए होती है पीडी ना कि सिटीजन से इतना रूड रहने के लिए। एक पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेंट करा तो पुलिस वाला बोलते तेरे को कहीं जॉब ही नहीं करने दूंगा। हाँ ये भी सही है। कौन है भाई ये गवर्नमेंट? हाँ क्या इधर हिटलर बन गया है? सही बोला था ठीक है। आप मेरे को मिले कितने दिन थे? अच्छा कहने गाड़ी तीन दिन बाइक है मैम 10-11 दिन हुआ। अच्छा अच्छा चलिए जी अबे टक्कू बट बाइक पे कैसे आएगा? हाँ बीच में बैठेंगे नहीं। हाँ वो कड़ी हाँ लेट्स गो जी
ठीक है। नहीं बट एक पुलिस वाला कैसे किसी को पर्सनल कैसे टारगेट कर सकता है ये बताइए। हाँ देखो मैं इसके साथ जा रही हूँ केनेथ के साथ, ठीक है, बट एक चीज याद रखो गोल्डी, हाँ विजन न्यूज़ में काम करना है तो पुलिस के साथ रिलेशन ठीक करने पड़ेंगे तुम्हें, अब वो है बात, चलो मानता हूँ बात मैं, पता है ठीक ना, है। लाइक तुम्हें हाँ कॉन्सिक्वेंसेस हाँ हाँ लेकिन बट ये पुलिस वाला है, पर्सनल पीडी के कैसे हो साथ, सकता है। नहीं मैं तो समझ गई तुम दोनों का, ठीक हाँ है, एनओसी लिया, पीडी हाँ के साथ रिलेशन अच्छे रखना पड़ेगा, और किसी भी हालत में पीडी की बेइज्जती नहीं करोगे तुम ऑन रोड कहीं पे भी नहीं, ओके लाइक कुछ भी नहीं, तुम एक कंपनी को कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे तुम जब विजन न्यूज में आओगे, ठीक है, लोग फिर इंडियन में क्या बोलेंगे, विजन न्यूज और पीडी का चलता रहता कुछ ना कुछ, ठीक है, विजन न्यूज का मजाक उड़ाने नहीं दे सकती मैं, अरे अपने नहीं होगा, नहीं रिलेशनशिप होगा। सुधारो पीडी अच्छा के साथ। चलो मेरी अब बात बताओ, 2 दिन बाद फिर फाइनल है। अरे मैं तो कल ही बोला था ना, कल तो मैं लेके भी हाँ चले गई थी ना स्टेट के पास, क्यों हाँ टेंशन ले रहे हो तुम, मैंने बोल दिया ना हाँ खत्म बात। चलो ठीक है। और अब बताओ किधर अब वो जाना है केस मैम? का क्या करना है, वो सीन आ जाओ डेट पे चलते, आ जाओ है आ जाओ, बताइए जाओ। केस का। बताइए ना चलना कहाँ पे। चलो डेट पे चलते हैं सिटी हॉल, ओके आ जाओ भाई, और तुम सिंगल हो? हाँ जी मैं सिंगल हूँ। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो जाएंगे, आज हमारी पहली डेट है, आ जाओ। क्या खाएंगे आप बताइए, ऑर्डर करो आपके लिए कुछ, सिटी हॉल में क्या आएगा बंदा देने, खाएंगी वाएंगी ना अच्छा कुछ, अच्छा आप भूखे थोड़ी जाएंगी। अच्छा यार ये बताओ शादी में लाल घाघरा पहनूं या हरा? आपका फेवरेट जो कलर हो वो आपको सूट करता है वो पहनिए आप, बट शादी कर अरे वाह, किससे अरे रही हैं आप, आप इसी कर रही हूँ यार, मुझसे? और नहीं तो क्या भाई, डेट पर जा रहे हैं ना हम अपनी पहली डेट पे। अबे लियो लियो लेफ्ट में ले, क्या चल रहा है, किधर, ये इधर टैक्सी के किसकी पास, टैक्सी है, ड्राइवर नहीं आया, मेरे भी सिर चल भी फट फट गया गया चल होगा। छोड़ हाँ ओ तो मैं वो फट यार, आराम जाता। से अरे डोंट वरी, यार ये विजन न्यूज की गाड़ी कब आएगी यार, मौत आ रही मेरे को तो ये सब इधर उधर घूमने में, साला अरे विजन से न्यूज का इंसान खड़ा है बोलता है ये फायदा गाड़ी दे लो बट फायदा निकलते ही नहीं। फायदा क्या हो पा रहा है, मतलब विजल न्यूज की जॉब है आप पे एंड गाड़ियां नहीं है। हाँ ना यार वो बोल वैसे रहे थे विजल गाड़ी न्यूज टेस्टिंग में है, आई थिंक कौन कौन सी गाड़ी आती है, लाइक आई हर्ड के एक वैन होती है जिसके ऊपर कोई बड़ा सा डिश टाइप लगा होता है मेरे फॉर को नहीं पता नेटवर्किंग ना भाई, सर्कुलेशन। मेरे को नहीं पता, अभी तो ही मैं लॉस एंजेलिस, मेरे को नहीं पता यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या रखी है। नहीं लाइक प्रीवियसली आप कहीं जॉब करती होंगी ना, हाँ वहाँ पे तो एक्सप्लोरर भी था भाई, ओ बहुत जबरदस्त, क्या इधर ही बताऊँ पार्क क्या कर बताऊँ, देता हूँ। आ जा आ जा। आइए कोई होगा अंदर पेपर वर्क प्रोसेस करने के लिए, एक काम कर आई वो ना डोंट नो, डेविड को ट्वीट करती हूँ, रुक जा। ओके अरे वैसे कोई जेम्स बंदा खड़ा रहता है क्या अंदर, मेरे किसी ने बताया कोई जेम्स नाम का बंदा होता है जिससे आईडी कार्ड वगैरह ले सकते हो अपन, ऐसा है क्या? हाँ जेम्स था मेरे का उसका, मेरे को तो ऐसे ही वाह बताया, भाई एक टैक्सी वाले ने छोड़ा था इधर, बोल रहा था जेम्स नाम का बंदा 24/7 रहता है उससे तुम ले सकते हो हाँ अब क्या ले सकते हो, सही आईडी कार्ड वगैरह। बोले वैसे आईडी कार्ड वगैरह ओ भाई गजब लड़की है भाई। आ जाओ आ जाओ, चलिए तुम्हारा देखो आईडी कार्ड जरूरी है, ठीक है आईडी कार्ड बना लो, और तुम्हारे पास लाइसेंस कौन कौन सा है? लाइसेंस तो है नहीं अभी, क्योंकि जब सिटी में ना कि नाइट के टाइम आया था तो डीएनवी वाला कभी था तो जाने का टाइम नहीं मिला, लाइक अभी होगा तो बनवा लूंगा। हाँ तो ठीक है, तो देखो ओके विजन न्यूज की अगर गाड़ी चलानी तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो बाइक का अगर तुम लेना है तो तुम्हारा प्रेफरेंस है, लेकिन विजन न्यूज की जब गाड़ी आएगी तो उसके लिए कार का लाइसेंस तो लगेगा, ओके बस मैं बिल्कुल मौका नहीं दूंगी किसी को भी विजन न्यूज पे उंगली उठाने का, हाँ जी वो बात तो बहुत है। मेहनत से खड़ा करती हूँ मैं डिपार्टमेंट। तो देखो यहाँ से तुम फिलहाल के लिए आईडी कार्ड लो, ओके हाँ और सुनो तुम ये जो ड्राइविंग हाँ लाइसेंस है जी ना, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पता है लाइक 100 रुपये है, सॉरी 500 का मिलता है एक ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, तुम अगर हाँ जी ये हाँ जी उसका लोगे ड्राइविंग लाइसेंस बाइक का और फिर ये लोगे तो 500 रुपये लगेगा, फिर अगर तुम कार का ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर करके फिर लेते हो लाइसेंस तो और 500 लगेगा, ओके तो इस हिसाब से ना 1,500 मत फूक लेना, एक साथ तुम टेस्ट पास कर लेना,
कार का और बाइक का या फिर ट्रक का, हाँ ट्रक का अगर तुम्हें करना है तो, और फिर एक साथ आके एक ही बारी में 500 रुपए दे के चले जाना लाइसेंस, ठीक है? ओके, बार बार नहीं फूकना। अब देखो ये देखो, मैंने कार और बाइक का लिया लेकिन ट्रक का नहीं लिया। लाइक ये रहा मेरा नाम, फोटो बहुत गंदी आई आईडी कार्ड। अबे है तो सही तुम्हारे पास कार बाइक का, अजीब इंसान हो। है मेरे पास तो, मेरे को अभी पता चला। वाह भाई ये देखो मेरा मीडिया है। आपके पास भी कार बाइक है? हाँ कहीं भी तो, बट ये तो आईडेंटिटी कार्ड है ना? नहीं नहीं आईडेंटिटी कार्ड ये है मेरा। इस पे भी कार बाइक आ रहा है बट? नहीं नहीं आईडेंटिटी कार्ड ये है मेरा। हाँ बट इस पे कार और बाइक लिखा हुआ है ना साइड में? नहीं इस पे कहाँ है? लिखा तो हुआ है साइड में। अरे तुम बैकस्पेस मसल फ्लेक्स करो। एक मिनट वापस दिखाइए अपना आईडी कार्ड। हाँ, आप कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा ये मेरा आईडी कार्ड है। ओके हाँ मसल फ्लेक्स करो बैकस्पेस। हाँ जी हाँ जी। ये मेरा मीडिया कार्ड है। हाँ जी वो दिख गया मेरे को। हाँ कहीं पे भी जाना है या कुछ ऐसा है तो ऐसा शो कर देने का, दिस इज विजुअल मीडिया से। हाँ बैकस्पेस करो और ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। एक मिनट तुम्हारा कार्ड। हाँ, हाँ जी आप दिखाइए अपना ड्राइविंग लाइसेंस। एक सेकंड रुको। हाँ ये देखो ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। देखो कार और बाइक ट्रक लिया नहीं मैंने, कोई जरूरत नहीं है मेरे को। एक सेकंड तुम इधर काम करो, मैं एक सेकंड फोन में कुछ देख रही हूँ। ओके ओके। बट ये मेरा लॉस है। अच्छा ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस विजल न्यूज मिस्टर कुमनेन डेविड आज यू अवेलेबल। अच्छा ये तो है बने डाला है। हावियर गुजमैन रिवील योरसेल्फ मीट। येरा रायन पोर्ट पे फिशिंग कर रहा। उजी होगा मे भी, उजी भी है। चलेंगे इनके साथ भी चलेंगे। कल का दिन बस थोड़ा वो है यार मिल रही। डेविड वार्नर नो सरदार खान एक्स डी माय बेड। चल क्या रहा है भाई? बताऊं अभी क्या चलता रहता है भाई ट्विटर पे इधर? लाइक मेरे तो समझ के बाहर है। बाइंग ब्लू शर्ट। हेलो ठीक है। ठीक है कुछ तो आया था येलो पीछे से तभी। बाइंग ब्लू शार्क फिर आना एट 7 के ईच। हेलो आ गए क्या?
बिजी रहेंगी, मैं भी थोड़ी बिजी। लुइस रेन यू देयर? नो भाई नो। गणेश का टोंडे यस यार, कॉन्टेक्ट वाले बंदों को फोन करो भाई। स्टीव तो है नहीं अभी, एंड आई होप अपना स्टीवन भी नहीं है। अब और कोई बंदा वो को जैसे मैं फोन करूँ अगर। ये बंदा फोन नहीं उठाएगा। हेलो, आवाज आ रही है वो? हाँ आ रही है। मैं वो कह रहा हूँ कि आज जी कोई अपनी रेसेस वगैरह कुछ है क्या? नहीं है, ऑल्टरनेट डे होती है, कल हो गई तो आज नहीं होगी। तो कल हो गई? हाँ मैं डीप सी फिशिंग कर रहा हूँ अभी। अच्छा हाँ, वो तो पियर्स पे कर रहा है या उससे भी आगे चला गया? पियर्स पे नहीं कर रहा ना, बहुत आगे हूँ अंदर से। रायन ने तो पियर्स बताया था थोड़ी देर पहले। अब तो आगे आ गए हम बहुत। किस चीज से आए हो? बोट। बोट है तुम पे? बोट। चलो मैं फ्री होके मिलता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, हम आ रहे हैं शोर पे आएंगे तब मिलते हैं। ठीक है, मेरे को एक बार कॉल कर देना जब वापस जाओ ना। वापस जाओगे आई थिंक इसके बाद तुम? हाँ वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। मेरे को कॉल कर देना। ठीक है ठीक है। आए बा आगे क्या? ये एक बात बताओ। हाँ जी। ये तुम्हें इलीगल रेसिस के बारे में क्या पता है? क्या हुआ? इलीगल रेसिस के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं पता मेरे को भाई, पूरे बातें कर लिए मेरे सामने भाई, बताओ। अरे कुछ नहीं पता, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ये जो इसने ट्वीट करा? हाँ जी। किसने? वैसे किसी ने भी ट्वीट करा ना। किस चीज का? शार्क्स अवेलेबल है क्या? वो येलो पेज पे, येलो पेजेस पे के शार्क इलीगल नहीं है? नहीं, शार्क वार्क तो आई थिंक पकड़ते हैं ना, लाइक डीप वाटर में जाते तो पकड़ी जाती है, फिशिंग से ही होता है। मे बी उनका थोड़ा सा मीट आता है या पीस ऑफ देम। अच्छा। बाकी मेरे को ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं है इस बारे में, बट मेरे को इतना पता है कि फिशिंग से आ जाता है। बाकी लेना ना लेना वो सिटी में लीगल इलीगल उसका नहीं पता मेरे को। चले कहाँ चलना है बताइए नेक्स्ट। माइकल का इम्पोर्टेंट बात करनी है मेरे को, उसकी यार सो रहा है क्या पिता भाई? इसने एनएफटी ले लिया भाई माइकल ने। मेरे एक दोस्त ने भी एनएफटी लिया है भाई। माइकल वैसे कुछ ही का देख उसका भाई, अमीर है भाई, बहुत बहुत पैसा छापी है भाई। आगे जाकर काम करते रहते हैं पूरा टाइम भाई। देखो कॉनन तो है नहीं, तुम्हारा पेपर वर्क प्रोसेस नहीं होगा। हाँ जी। जैसे वो आ जाएगा। अच्छा उसने रिप्लाई भी दिया होगा, मैंने देखा नहीं। आई थिंक नहीं दिया, नहीं दिया, मैं देख ही रहा था ट्विटर। नहीं दिया ना, ठीक है कोई बात नहीं, जैसी वो आई ना पेपर वर्क प्रोसेस करा दूंगी मैं। ठीक है, जब तक आ जाओ घूमते साथ में। चलिए और बताओ कौन सा फ्लेवर पसंद है तुम्हें? पोस्ट करके चले जाए क्यों? सारे आए हुए हैं, आ जाऊंगा। 2 मिनट क्या कर दे, बस चल जाऊंगा यार, गेट बंद कर दे बस, फ्री हो के आना। हां जी क्या हुआ? कुछ नहीं यार, एक काम करो, अब सिटी हॉल आ गई तो जरा ये पीडीएम लेके जाओ। हाँ हाँ, पीडीएम अपना ये ऊपर की साइड है ना आई थिंक तो। हाँ ये लाइक जिधर एक बार आए थे आपके साथ। हाँ पर पीडीएम बोले ना उधर नहीं जाने का, बोलना यहाँ पे ये शहर का ये पीडीएम है बोलना। तुम कौन से पीडीएम देख के? हमें नहीं पता, अबे सामने तो है भाई। अरे हाँ इधर ही है। हाँ लेफ्ट में ले। हाँ तो लेफ्ट ही तो ले रहा था। तो जीपीएस क्यों लगाया है? वो ऐसे ही थोड़ा इजी पड़ता है। I think शहर के रास्ते याद नहीं हुए शायद तुम्हें। नहीं शहर के तो याद है, बट लाइक इधर ऊपर की साइड थोड़ा इधर आना जाना नहीं होता। आई थिंक तो थोड़ा बहुत सही लगाया मैंने। हाँ
भाई अंदर कौन खड़े हुआ है? रेस का वो बंद करो ADA. हेलो कार्स नहीं आए ना आई थिंक अब तक सिटी में. मना कर दिया मेरे को फाइनेंस दिखाने से. सिर्फ कुछ बाइक्स ही आई अब तक वही शो हो रही है. यही दिख रहा है ना बस. हाँ जी बस. कार्स आए इंपोर्ट नहीं हुई अब तक. मे बी शिपिंग वर्क इनका स्लो है थोड़ा. यार स्कूटी आनी चाहिए. यार स्कूटी चाहिए मेरे को. धीरे चलेंगी बट स्कूटी काफी. ओए अरे कुछ नहीं बोलने का. क्या हो गया? स्कूटी को कुछ नहीं बोलने का. अरे ठीक है माय बैड. तू मुझे कह ले मुझे गाली दे दे बट मेरी स्कूटी को कुछ नहीं बोलने का. ठीक है I just take back my words. Yes. मेरी स्कूटी मेरी जान है. मैं उन लोगों को बोलूंगी तुम मुझे गोली मारो. मेरी स्कूटी को एक खरोच नहीं आनी चाहिए. आपकी स्कूटी तो फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करानी होगी ना बेबी इधर से तो. हाँ यार बट उसके बहुत खर्चे हैं ना तो मैं यहाँ से नया ले लूंगी. नहीं पर क्या पता वैसी सेम ना मिले जैसी आपकी एक्सेप्टेशंस हैं. हाँ जो भी हो लेकिन देखो यार जिंदगी की शुरुआत ना मैंने उस पे की थी पता है. स्कूटी पे कम थे तो. हाँ तो यार उसके बाद ना मतलब बहुत एक्सपीरियंस लिया मैंने. कई शहर में बहुत पैसे थे मेरे पास. बहुत गाड़ियां भी ली मैंने यार बट सही बताऊ मजा स्कूटी पे आया पता नहीं क्यों यार. जब स्कूटी पे बैठ के चलाती हूँ ना मतलब जो मैंने शुरुआत की थी ना अपनी रिपोर्टिंग करियर की तो अंदर की हेबा आ जाती है. नहीं यार वो स्कूटी पे बैठ के वो फील अलग है यार. मतलब वो मेरे को फिर लाइक हमेशा याद रहता हो यार कि यार कैसी थी मैं और अब कैसा हो गया. मतलब कितना टाइम लग गया नाम बनाने में. ओके बहुत अच्छा लगता है मतलब इमोशनली अच्छा लगता है मेरे को स्कूटी चला. आइए आपको कॉफी पिलाता हूँ अगर मे बी शॉप खुली होगी तो. देखो डेट पे नहीं जा रहे हम ठीक है लेस्बियन हूँ मैं. कॉफी तो पिला रहा हूँ ऐसे ही एज ए जूनियर समझ के पी लीजिए. सीनियर है आप अगर शॉप खुली हुई वो भी तो. अबे मैं सीनियर हूँ ना. हाँ जी ये भी सही. हाँ यार भूल गई थी मैं तेरा. देखो यू तो ना मैं बहुत मजाकिया होती. हाँ जी गीड़ी मारती हूँ दिन भर. ओके लेकिन वो एक सेकंड आता है ना जिसमें तुमको इंस्टेंटली सीरियस होना पड़ता है. हाँ तो मैं भी वैसा होती हूँ और मैं एक्सपेक्ट भी अपने एम्प्लॉय से वैसी करती हूँ. ओके मतलब कुछ भी हो जाओ तुम कितना भी मस्ती करो तुरंत अगर तुमको एक्शन लेना पड़ता है तुरंत एक सेकंड में सीरियस होके एकदम कैमरा ऑन करके खड़े हो जाना. ओके कोई तो भी आया देखो जरा किधर. अबे कॉफी शॉप से याद आया ये बिजनेस किस किस को मिला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया. आई डोंट थिंक सो अभी तक कुछ अनाउंस किया. तभी मैंने पूछा बोला ना कि कोनन का नंबर है क्या मेरे पास चेक कीजिए वैसे आपके पास. अबे कोनन डेविड का नंबर है मेरे पास बट फोन स्विच ऑफ है. अरे सर्किट जिंदा है क्या इसका भी फोन स्विच ऑफ है यार. लोग पी तो रहे वैसे कॉफी. अरे वाह 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 बिल्डिंग ही नहीं दिख रही मेरे को. मैं लेके आता हूं कोई ना. धक्का दे क्या हुआ. धक्का दे बाहर. अरे अंदर भाई अंदर ही हो आप तो और कितना अंदर करूं. अरे धक्का दे मत टैकल दे रहे तो आ गया आ गया दिख गया दिख गया. चाय एंड आई थिंक कॉफी है टी एंड चाय तो ठीक है लेकिन चाय जो ग्लास में दिया ना वो मजेदार है. क्या पियेंगे आप बताइए. इट्स फॉर माय साइड. चाय ब्रो चाय ओपी. एक कप कॉफी का कुछ मजा नहीं भाई चाय के सामने. वैसे मैंने जिंदगी में कभी चाय पी नहीं भाई. तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म. लीजिए अभी पहली बार पीता हूँ आपके साथ. चाय पियो यार बिना अदरक बिना लहसुन वाली चाय पियो. रखा नीचे
चेयर्स यस 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 बताइए नेक्स्ट कहाँ चलना है आ भाई ऐसी रूह को सुकून मिलती है दो चीजें पी के पता है एक पेप्सी और एक चाय मैं अपने फोन में कुछ देख रहा हूँ मेरे को जस्ट दो मिनट दीजिए Let's go then. चलिए मैम हाँ बिल्कुल तुम्हारा इंतजार है आइए तो देखो यार पहली चीज ना हाँ जी तुम्हारे रिलेशन कैसे होना चाहिए ठीक है किसके साथ सभी के साथ तुम्हारा रिलेशन सभी के साथ ना बहुत अच्छा होना चाहिए ठीक है हर इंसान से तुमको अच्छे से हंसी मजाक से बात करनी पड़ेगी स्पेशली ऑफिसर से ओके ठीक है सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हें शहर में कौन सी जगह क्या हो रहा है ठीक है सबसे ज्यादा तुम्हें ऑफिसर ही देगा मैंने गोल्डी को बोला था वहाँ पे विजन यू ज्वाइन करना है तो यार तुम्हें ऑफिसर से अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा पहले खराब हो गए हाँ भाई कुछ सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा कंटेंट तुम्हें अपने न्यूज के लिए ऑफिसर ही देगा और कोई नहीं देगा बिलीव मी तुम सौ न्यूज भी बना लो ना ऑफिसर के ऊपर की पीडी ऐसी वैसी है फिर भी अगर तुम्हारे रिलेशन अच्छे है ना पीडी से वो तुम्हें खबर लाके ही देंगे ठीक है बहुत जरूरी है उनके साथ अच्छे रिलेशन रखना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उसके बाद जो है जो डॉक्टर्स है ठीक है जितने भी है गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जैसे पीडी पीडी के बाद आता है देखो डॉक्टर्स आते हैं लॉयर आते हैं ठीक है हाँ जी अलग अलग डीओसी वाले आते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं जैसे पार्क रेंजर्स आएंगे फ्यूचर में पीडी के रिलेटेड तो इन सबसे तुम्हें अच्छा रिलेशन रखना है ओके एंड सेकेंड चीज जो तुम्हारे सोर्सेज रहते ना जो तुमको खबरें ला के देते है इधर ये हो रहा उधर वो हो रहा उनका नाम रिवील नहीं करना ओके और ना ही उनकी बात सुन के बना देना न्यूज बिल्कुल नहीं उनको बोलना ला के देना प्रूफ ये अंधीगण का कौन है वे व्हाट द फक क्या हो गया लोकल को सस्ते नशे लियो 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 हॉस्पिटल लियो हाँ तो आपने सोर्सेस का नाम रिवील नहीं करना लेकिन बाय द हाँ जी सोर्सेस को बोलना प्रूफ के साथ बात करना ठीक है ओके लाइक जॉब जो है ये इसका लाइक वर्किंग टाइम एंड लाइक ऑल क्या है वर्किंग टाइम तो नहीं तुम वो कैमरामैन तुम बस अवेलेबल रहा करो तुम like, शहर में कहीं पे भी जाते हो 24 घंटे में कोई मतलब नहीं लेकिन मैं जब कॉल करके तुमको बोलूंगी कि मेरे को कैमरामैन की है जरूरत आओ तुम्हें ऑन द स्पॉट रहना पड़ेगा वहां पे बाकी तुम 24 घंटे कहां रहते हो इट्स नन ऑफ माय बिजनेस मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ आप खुश रहो डेट पे जाओ मच्छी पकड़ो मरो पानी में अरे मैं डूब जाऊंगा फिर कैमरा कौन पकड़ेगा अरे वो मोटा चाचा है क्या आप पिल बॉक्स के वैसे जो बंदा है ना लाल टी शर्ट में कौन वो देखो उधर दूर जो खड़ा है ये अपने तरफ क्यों आ रहा है हेलो नहीं बाद में बताता हूँ मिस 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 हेलो मैम मिस मिस इधर देखो
हाँ जी बताइए मिस, कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? क्यों क्या हो गया भैया? आप मॉडल लग रही हो भैया। अरे नहीं नहीं, हम मॉडल कहाँ से लग रहे हैं भाई? आप बहुत मॉडल लग रही हो पूरी, आप हर जगह से मॉडल ही लग रहे हो। नहीं नहीं, हम मॉडल नहीं भाई, हम तो आम इंसान है। प्लीज प्लीज फॉर मी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या क्या मैंने जो फैन हो भाई? अरे, वो रुको, पता रुको, नहीं रुको। लेकिन आपको देख के मेरे को कोई बहुत बड़ी मतलब एक्ट्रेस, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड नाम तो बताओ, किस फैन किसके हो? थैंक यू, बट है कोई तो है नाम। अरे जल्दी चलो जल्दी चलो, नाम नहीं पता, फैन हो? जाओ 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 जल्दी चलो जल्दी चलो, वो आ गया हेनरी रेड ग्लास के ऊपर, जल्दी आओ। मैं फोटो खींच के आऊंगा, मैं मिस प्लीज एक फोटो प्लीज। हां जाओ जाओ, हम आप ही के साथ आते हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी चल जल्दी चल, इनको फॉलो कर जल्दी चल। चलो चलो चलो, दूर से फॉलो कर, रुक रुक रुक। हां दूर से फॉलो कर, इनकी कौन सी टैक्सी पर? दोनों एक ही जगह जा रही है, ले ले लेफ्ट पर। दूसरे लिए ले लूंगा ना, बिकॉज़ वो नोटिस कर लेगी पीछे से। चलो मैं इनके पीछा करते हैं। गैराज के अंदर लूं, खतरा होगा थोड़ा। रुक 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 रुक, मैं ही रुक गया। वापस जा वापस जा, इधर से आई थिंक व्यू मिल सकता है थोड़ा। एडगर आज ऊपर क्या मीटिंग कर रहे हो? तो और कोई बिल्डिंग नहीं जिसके ऊपर देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं? ब्रिज के साइड से थोड़ा एंगल मिल सकता है, बाकी और कोई तो वो नहीं है। ब्रिज के साइड साइड होती है एंगल, आई थिंक गाड़ियां ही नीचे आ रही हैं इनकी। चल चल गड़ी मारे, छोड़ दे। श्योर? हां छोड़ दे, नीचे आ रही हैं अभी। चलिए छोड़ दे तो छोड़ देते हैं फिर, और क्या। आप हेलमेट क्यों नहीं पहनती? पहनना है क्या? लग लगा जाएगी। अभी स्कूटी बाय करूंगी ना, तब पहनूंगी। फिर साथ में गाना गाना है। कौन सा गाना? दिलों का शोर भाई, तेरे को हायर नहीं करूंगी मैं। बेबी कहाँ पे? पिल बॉक्स में लूं? पिल बॉक्स? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। वही पूछ रही थी मूड अच्छा हुआ कि नहीं। चल ठीक है, मूड अच्छा लग रहा है। चल गोल्डी है क्या तेरे साथ? अच्छा चलो चलो, बाय बाय बाय, बी हैप्पी बाय, ओके बाय 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 बाय। क्यों भाई साहब, क्या हो गया? हेलो हेलो, यप क्या हाल है? क्या हाल है, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया सर, आपका नाम क्या है? केनित नाम है मेरा, केनित। अरे भाई ठीक है यार, क्या हुआ? कौन सा रेडियो पे हो अभी तुम? मैं किसी रेडियो पे नहीं हूँ अभी। 98. हाँ नहीं नहीं, अभी तो किसी पे नहीं हूँ मैं। सही है, मेरे को नहीं पहचाना होगा ना? नहीं नहीं, तुम ज्वेली हो ना? हाँ हाँ सही है, तो पहचान तो लिया भाई। ठीक ठीक, आ जाओ आ जाओ। हाँ। नहीं मेरे को लगा शायद नहीं पहचाना होगा, इसलिए मैं ट्राई कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, यप यप आ जाओ। अभी क्या हो रहा है? To get our love back. Love back? Yes. देखो कहीं मैं तो नहीं हूँ, मेरे को लेके चले जाओ अपने साथ। Yes, I would like to be the butter in between two bread. Unfortunately. Prank video. Prank video. हाँ, मेरे को आना नहीं बताया अभी, prank हो रहा है कहीं। Yeah, we are gonna do it with someone. Yeah. चलो भाई कुछ काम तो नहीं, ऑडियंस बन जाते हम लोग। आ जा केनित। नहीं चलिए। हाँ भाई दूर से खड़े होकर देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, नॉट एवरीवन, वी कांट टेक। अरे मेरा कैमरा मैन है, साइड में आओ, साइड में आओ। हेवा
क्या हो गया? आओ रोज तुम्हारे न्यूज चैनल के लिए हम तुम्हें कंटेंट दे रहे हैं। मेरा नाम है कार्ला। भाई क्या ही चल रहा है इधर? हाँ आजो देखने आजो। चाहो तो तुम भी एक किडनैपर बन जाना। किडनैपर भाई। और केनेथ कैसे हो? बढ़िया। ऐसा क्यों पूछ रही है? अच्छा नहीं पूछूं मतलब नहीं नहीं मतलब मुर्दा हो क्या तुम? डीके डीके मतलब जिंदा नहीं हो तुम? नहीं इतनी देर से साथ में ही तो घूम रहे हैं। अरे मैं अनप्रेडिक्टेबल हूं, तुम नहीं जानते हो मेरे को चिल मार। हां मेरी आदत है, मैं साइलेंट रहता हूं। तो अभी के पीछे जाना है या क्या सीन है? हां एमपी रेडियो पे आ जाओ क्या? हां चल मैंने पूछा तो था ना। हां बताया। बताइए क्या इनके पीछे जाना है? इसके पीछे इनके पीछे जो भी प्रैंक हो रहा है? नहीं नहीं आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जाना है क्या? बोला मेरे को हाना ने प्रैंक करा करते पता नहीं बता। बेबाजी कौन हो भाई साहब आप? क्या चल रहा है? अरे बढ़िया बढ़िया, न्यूज की तलाश में घूम रहे इधर उधर। और क्या न्यूज की तलाश? हेलो डूड भाई, कल मैं आपको याद कर रहा था, आपका नंबर नहीं लगा। कल कैब कंपनी बंद हो गई थी रातों रात। क्यों बंद हो गई? क्या हो गया? 300 से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉय हो गए, उनकी गाड़ी उनके पास रह गई, तो अब क्या करे? तो मैंने केस कर दिया पुलिस में। है किसने बंद किया? पता नहीं बंद हो गई थी, ना गाड़ी दे रहे थे ना ले रहे थे, जीपीएस से भी उनका हट गया था सर। फिर पता नहीं आज आ गई वापस। अच्छा लेकिन अच्छा। जो सदमा लगा इतने कैब ड्राइवर्स को, ट्रॉमा हुआ और ऐसे अनलॉफुल टर्मिनेशन हुआ उनकी जॉब से, तो ये काफी गलत लगा, तो इस पे केस कर दिया। हाँ यार गलत तो है यार, टोक्यो को भी 500 का फाइन लगा और 25 पुशअप्स कराए करते एक सिग्नल तोड़ने के लिए। ओ भाई मैं तो था उधर है आई विटनेस। अरे आ जाओ राडे निपटा दिया अपन ने। बताओ फिर प्रैंक क्या? है तो प्रैंक में तो कुछ भी हो सकता है, देखना है या नहीं? क्या पता बोले तो नहीं अपने को जा रहे शायद। तो बात बता। हाँ जी बोलिए। शहर में कुछ हो तो नहीं रहा, अब क्या ही करें? वो वाली टेक्निक से मारा नया, वो जो उस दिन सीखी थी ना बाइक पे। चला जा। चलिए हाय आइए। कहाँ चलना बताइए? कहाँ चलना है देखो, चलो लेके चलो कहीं पे भी। एक सेकेंड ना। पीडी सिग्नल तोड़ रही थी पीछे होके देख के। डिस्टेंस क्रॉसिंग ऑफिसर। गाड़ी का टायर इधर ही मुड़ रहा था। कैसे पहचान था वो बताओ? याद आती है आने दो। हाँ भाई ज्वेल किसका मर्डर करने निकला है? पीडी आ रही है। हेलो मर्डर क्या होता है? मर्डर बच्चा है क्या? मर्डर का मतलब नहीं पता? नहीं बाय बाय। हाँ भाई आ गए बोलो। कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, लाइक मैं पूछ रहा था अभी नाइट हो रही है एंड मेरी गाड़ी में फ्यूल भी नहीं इतना, तो फ्यूल भी भरवा लेता हूँ एंड आपकी एक दो पिक्चर्स भी क्लिक कर दूंगा। ढूंढ ले कहाँ जा रहे बिना कोट टू के? ले 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 पकड़ पीछे ले उनके, पकड़ती उनको पूछती हूँ बिना कोट टू कहाँ भाग रहे हो? ये सिग्नल भी तोड़ दिया उन्होंने वैसे। ढूंढ लो कभी मुंह पे नहीं बोलना कि तुम ढूंढ ले ठीक है? यप पकड़। ऑफिसर देख कैसे सिग्नल तोड़े।
अबे रुक रुक रुक, कहीं तो भी इमरजेंसी में जा रहे हैं, पीछा कर पीछा कर। दीजिए मैम। वाह, सालोन के लिए सिग्नल तोड़ा जा रहा, देख रहा है? मैम जल्दी हमें निकलना है। मैं तो देख ही रहा हूँ मैम, सालोन के लिए सिग्नल तोड़ा जा रहा है कि नहीं, देख रहे हो? वी आर वेटिंग सालोन नहीं, इसके बाद हमें जाना है जल्दी। तो मतलब उसके लिए आप सिविलियन की जान खतरे में डालोगे? किसकी सिविलियन ही डाल दी तो सर, अपने सिग्नल तोड़े, अभी कोई गाड़ी वाड़ी से ठोक देते आप तो। ऑफिसर आपके लिए महिला कुछ कर दिया, आप ध्यान दीजिए। नेवर माइंड आयान सर, कैश देना थोड़ा सा, या तो ये बाद में कर ले, एक बार पहले रिस्पोंड करना पड़ेगा। आ जाओ, रिस्पोंड करना। कहां जा रहे हो ऐसे सर? चिलन सर का रेडियो पे कॉल आया है मैम। अच्छा अच्छा, कहने जरा बैठो जल्दी से। हां जी जल्दी बैठ बे, हराम खोर। बैठी 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 भगा उनकी ज्यादा तेज। अरे पर मैम अब वो दिख रही थी, इन्होंने कोर्ट्स भी ऑन नहीं कर रखे थे अपने सिग्नल तोड़ते हुए। अबे वो छोड़, तू भागा। अबे कितनी तेज भागा मैं। पुलिस वालों को कतई नहीं बोलने का, ठीक है? रूल्स नहीं सिखाने का उनको, अपने को कोई मतलब नहीं है कि वो जिंदा रहे कि नहीं रहे, वो क्या करते नहीं करते कुछ अपने को नहीं मतलब है इनसे, ठीक है? पर वो गए का एकदम मतलब नहीं रखने का अपने को। अपन विजन न्यूज है, ठीक है? अपन वो नहीं है, ओके। अपन न्यूज में सारे वो डालेंगे। कान में वो जो कीड़ा होता है ना, ये क्यों है वो क्यों है, सब पूछने का नहीं अपने को, कुछ मतलब नहीं दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मेरा काम तो सिर्फ कैमरामैन दिख रहा है, उसको पेश करना है न्यूज के सामने, ठीक है? क्या क्या क्यों कैसे कहां ये सब नहीं पूछने का। खैर मेरा काम तो सिर्फ कैमरे का है मैम, पता नहीं आई थिंक वो लोग कुछ ज्यादा ही फास्ट चले गए। अबे ले पीछे ले गोल्डी भाई, अभी तक अरे भाई गोल्डी। हाँ यही अभी तक। अबे ये रोना के इसमें इतना ढीला लॉयर क्या बोले, इसकी पहले एफआईआर रजिस्टर करवानी है। अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई अभी तक। ओके ओके ऑलराइट। हेबा मैम समझिए, पीडी जो है वो थोड़ी समझ रही है, स्लो वर्कर स्लो वर्कर। अरे ढीले हैं। हाँ वो तो है। हाँ भाई ढीले है भाई। हाँ ठीक है, बोल दिया अहमद जी ने, क्या कहते हैं? हाँ करना अभी अभी करके। हाँ तू कराइए फिर। ये यार सारे सिविलियन को मिलकर अपन अहमद के ऑफिस के बाहर नहीं खड़ा सकते प्रोटेस्ट करने को? और क्या, ये ईमेल पे बड़ा ईमेल करते रहते पर आपके शहर को बार बार। अच्छा 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 अहमद जी, वो नहीं नहीं अहमद के अगेंस्ट रहने दो अभी, तो वो किसी और दिन कर देंगे। तो विक्की अगेंस्ट चले जाओ, कोई बचेगा ही नहीं सपोर्ट करने। एक बंदा है जो पीडी के अगेंस्ट खड़ा होता है। पड़ गए भाई, टू बैड आई एम नॉट योर स्टेप ब्रो। बड़ा ही डीप मीनिंग था। हाँ कोई बात नहीं, तुम समझे वो नहीं समझे कोई बात नहीं, बड़ा डीप मीनिंग था। ओ भाई। अरे हेबा हेलो, हो इधर। हाँ मैं तो यही रहती हूँ, कहाँ जाऊंगी मैं तो। मैं कह रहा हूँ बताओ, चल रहे हो उधर वो पेट्रोल पेट्रोल पंप पे? ओए है पेट्रोल, हेबा को पेट्रोल की जरूरत है हमारी पहली डेट के लिए। नहीं नहीं उधर लाइटनिंग अच्छी होती है ना, मैं आपकी एक दो फोटो क्लिक्स करके आपको भेज दूंगा। इतना फिदा हो गई तुम मेरे पे पहले दिन में फोटोशूट कराने लेके जा रहे हो, क्या बात है। आपको कैमरे की लाइट दिख जाएगी। आपका नाम क्या है? आपका नाम केनित, भाई के केनित केनित। अच्छा पहले मिल चुके हैं हम। हाँ जी मिल चुके हैं अपन। अरे मैं इनको प्यार से ना बॉबी भाई की सस्ती कॉपी बुलाता हूँ। बूबी। हाँ बूबी भाई की। हाँ वही। इधर वही तारा भाई जो चुचिंदर तारा भाई चुचिंदर भाई तारा भाई। अरे कितने छह सात पेज का एफआईआर लिखा है इसने। आ गया नहीं, अब आ गया, देख लो भाई इधर उधर निकल गया होगा। सुबह से रात हो गई भाई। हाँ इसको शक्ल देख के मैं थक गया। डाल दिया मैंने 911। हाँ हाँ क्या हुआ, नहीं आ रहे क्या ये कॉल? तो आई मीन रिप्लाई तो नहीं आया अभी तक, वेट करते हैं थोड़ा। लॉयर का रिप्लाई नहीं आया तो समझ लो लोगों सिविलियन का क्या आएगा। सॉरी मेरे को लग रहा है जज भी भाई उठ के मारेगा वहाँ पे।
बोले ऑन द स्पॉट ही इधर ही जज जज जिससे ऑर्डर ऑर्डर नहीं करता है थोड़ा फेंक के मारेगा किस का एफआईआर लिखा है लेकिन अरे पीडी का केस वो ही जो इन्होंने मेरे ऊपर किया एनओसी नहीं कर रही पीडी अरे नहीं 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 एनओसी का तो सॉर्ट आउट हो गया 15 दिन कल हो जाएंगे वो तो कोई इनका बाप भी मना नहीं कर सकता पीडी वालों का देने से ठीक है वो तो इनके लॉयर के हाथ में है ओके और दूसरा जो मेरे ऊपर इन्होंने केस डाला था झूठा वो उसके ऊपर केस कर रहा हूँ बाय द वे आपको जेल हुआ किस लिए था मतलब अरे वहां पे खड़े थे टैक्सी वाले पे तो हम जैसे हाँ ऐसे बातें कर रहे हैं ना तो मैं और मेरा दोस्त बातें कर रहे थे तो साइड में एमपी और ये सब लोग खड़े थे ओके तो पीडी वाले आते हैं उनसे बात कर रहे हैं तो हमें बोलते हैं तुम लोग चुप हो जाओ भाई हम क्यों चुप हो जाएं भाई तुम्हारा अगर तुम्हें कोई बात है तो जाओ पीडी चले जाओ तुम अपना कोई तुम्हारा मैटर है तो हम बात कर रहे हैं मैं पानी पीता हूँ ये जेडी आता है मेरे पीछे मेरे को कफ करता है सीधा गाड़ी में बैठाता हाथ पकड़ के गाड़ी कितनी दूर खड़ी थी यहाँ से जैसे वो टैक्सी खड़ी है ठीक है हाथ पकड़ के वहां तक लेके जाता है गाड़ी में बैठाता है अपने दो अफसर को बोलता है इस पे डिस्टर्बिंग वैसे मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहता वैसे मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहता बट आई थिंक पीडी कांट डू दैट वो किया ना मेरे पास तो प्रूफ है आई विटनेस है एक बार मेरा मतलब मेरा कोई सीन नहीं है लाइक आई थिंक मैंने पढ़ा है कहीं पे कि राइट टू स्पीक होता है सबको सब कर सकते हैं भाई राइट टू स्पीक इनका इनके इनके सामने बोल के देखो ये एंड अगर पीडी आपको एक बार चुप रहने को बोलती है उसके बाद भी आप क्या कहते हैं कुछ बोल दो देन आई थिंक एक दो वार्निंग मिलती है उसके लिए उसके अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता तब पीडी देती है वार्निंग किस चीज की अगर मेरी बात सुन मेरी बात हां जी मेरी बात सुन हाँ मेरी बात आप खड़े हो आप लीजन पे खड़े हो पीडी वाला आपके पास आके बोलता है चुप रहो भाई क्यों चुप रहूं किस लिए तुम्हारा कोई लिया दिया है क्या अरे मेरे को एक बात बताइए वकील सर आपका नाम क्या है हाँ जी आज्ञा त्रिपाठी हाँ तो त्रिपाठी जी मेरे को एक बात बताइए जी अगर कोई पीडी वाला खड़ा है और मैं उसे बोल दूं गेट द फक आउट ऑफ हियर ठीक है तो वो डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ पीडी में मतलब डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ ऑफिसर ऐसे में कुछ आएगा या नहीं आएगा बिल्कुल डिसरिस्पेक्टिंग अलियो का चार्ज लगेगा तो बट सर अगर मेरे को क्या कहते राइट टू हैव ए फ्रीडम एंड राइट टू हैव ए स्पीच है मतलब मैं एक बार के लिए तो किसी को ही बोल सकता हूँ ना वो पहले मेरे को वॉर्न करेगा ना इस चीज के लिए या सीधा मेरा वो फाइन काटेगा राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम में नहीं नहीं फ्रीडम तो खैर अलग है फ्रीडम खैर अलग है वो मैं समझ गया राइट टू स्पीच जैसा आप बोल रहे हैं राइट टू स्पीच है आपका इसके इसका ये मतलब नहीं कि आप पीडी ऑफिसर्स को डिसरिस्पेक्ट करोगे फिर वो तो आपके आपका जो मतलब आप ना आपके फंडामेंटल राइट है आप उनका वायलेशन कर रहे हो एंड आप उसको यूज करके पीडी को एक लियो को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो सो वो तो फिर आप एक क्राइम कर रहे हो ना नहीं नहीं पर सर पहले तो उसके लिए वार्निंग देगा ना वो बात कर रहे हैं ठीक है पीछे से पीडी वाला आता है बोलता है तुम लोग बात मत करो क्या आप उसके ऑर्डर फॉलो करोगे जैसा नहीं वो दोनों भी नहीं बोल सकते अपन भी नहीं बोल सकते पीडी वाले को चुप रहो और वो भी नहीं बोल सकते अपने को चुप रहो दोनों एक दूसरे को नहीं बोल सकते वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो क्या ऐसा ऑर्डर दे सकता है कि हाँ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो हमें बोल सकते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं हो पब्लिक प्लेस हो अब बेशक पब्लिक प्लेस है सॉरी बट इन केस अगर पीडी को ऐसा पीडी किसी को जैसा आप बोले इनके बीच में तो नहीं गए ना सकती है लेकिन क्राइम सीन कोई था ही नहीं जय महाराष्ट्र जय हिंद जय पंजाब जय गुजरात जय पति हाय ऑफिसर क्या नाम है आपके ऑफिसर शिंदे शिंदे नाम है यार मेरा इसको अचानक क्या हो गया जय हिंदुस्तान जय हिंदुस्तान जय हिंद सर सर जल्दी जल्दी रेड गैराज इमरजेंसी रेड गैराज शिंदे सर चलो उधर ऑफिसर ठिल गया जल्दी चलो चल 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 की मां का कहने रेड गैराज आओ मोटा इंसान ले 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 हेलो भागा अबे पुलिस से पहले पूछने का भागा अरे बाइक है मेरी गाड़ियां नहीं है सुपर फास्ट उड़ा के लेके जा तू अभी देखो क्या नीति की स्पीड और सीधा ऊपर लेने का ठीक है कुछ नहीं बोलने का सीधा ऊपर लेने का कैमरा का काम मैं करूंगा अभी कैमरा निकालने की जरूरत नहीं चलिए भागा मैं जरा सेट करती का सीधा टॉप पे
सीधा टॉप वाले फ्लोर पे गया? हाँ सीधा ऊपर लेके जाना, सब सीधा सब चुप। ले 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 राइट में ले, भागा पुलिस से पहले पूछने का, पुलिस से पहले पूछने का, नहीं तो पुलिस वही अपने को बोलेंगे ये एरिया वो नहीं है। भागा भागा जल्दी भागा जल्दी जल्दी, क्या बाइक है तेरी? मैं मेरी तोड़ी है। पहुंच गए भागा, और ऊपर ले लियो लियो छत पे ले। अरे रुक रुक, अंदर मत जा, ट्रेस पास है, अंदर मत जा। आ रहा हूँ ऑफिसर, पीछे आ रहा हूँ। पुलिस की गाड़ी दिख रही ना, बस बस उसके पीछे रहना ठीक है। मैम, अरे हवा मैम, मैम कैन यू जस्ट स्टे बिहाइंड दिस कार? ऑफिसर बाइक इधर सही है कहीं और लगा दूं बताइए? वो जरा बाइक स्पीड में थी ना तो जरा आगे हो गई सर। बाइक इधर सही है कहीं और लगा दूं? नहीं बाइक इधर सही है, आप बस इधर से ले रहे हो। हां सर वो समझ गई मैं, गाड़ी रोका ना आपने, पता है क्या हो गया वैसे इधर मैम, क्या लगता है? अब बात मत कर ठीक है, रिकॉर्ड कर रही हूं मैं। ओके दिस इज फॉर योर सिक्योरिटी, प्लीज इफ यू कैन लीव दिस एरिया। ऑफिसर आप बता सकते हैं सर यहां पे क्या हुआ है? मैम आई कांट टेल यू एनीथिंग राइट नाउ, इफ आई जस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज। आप सर सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है सर, एक ऑफिसर यहां पे डाउन हो चुके हैं सर, रेड गैराज के ऊपर। वी आर लुकिंग फॉर इट, क्या है अभी हम आपको एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकते, आप प्लीज लीव कर दीजिए आपकी सेफ्टी के लिए चीज। थैंक यू सो मच। ओ भाई गाड़ी तो है, भाई क्या हो गया? क्लाउड हेबा हे कैनी प्लस हेबा, अरे ऐसा नहीं है भाई। उतर जाते। हाँ जी सर बताइए सर, यहाँ पे क्या कर रहे हो मतलब? वो देखिए सर उधर ऊपर रिपोर्टिंग चल रही है। अरे बता भाई क्लाउड, फ्री हो जाए तो बता दियो, आ जाऊंगा मैं भी फिशिंग करने। सी इमरजेंसी 911 डिप्लिटी शेरिफ लॉस सेंटोस पुलिस, ये क्या फकअप मचा रखा है भाई? शेरिफ डिपार्टमेंट तो आई थिंक BCSO डिपार्टमेंट होता है फर्दर माई नॉलेज। बोलना पड़ेगा हेबा को भाई, ये ब्लरी वाली सीन हटानी पड़ेगी भाई, कल से हटा लूँगा अगर जॉब वॉब कुछ मिलेगा तो कल से हटा लूँगा। क्या कांड हो गया यार पर वैसे इधर? कुछ तो कांडा कांडी हुई है भाई, कुछ तो कांडा कांडी हुई है, कांडा कुंडी हुई है, कांडा कुंडी हुई है। ऑफिसर आप बता सकते हैं सर इतने सारे बंदे जो डाउन है सर क्या हुआ है यहाँ पे? ओ भाई मैम हमको भी पता नहीं, गोली वोली चल रही है। अरे प्रोफेशनली आंसर तो दे दो इस सिचुएशन पे, हमें कोई जानकारी नहीं है भाई, ऐसा तो बोला हमें भी नहीं पता। और मैं बोलेगा रुको मेरे को न्यूज में आना है। ऑफिसर ऑफिसर आपका नाम? जी मैम माय नेम इज ऑफिसर कांतिलाल फ्रॉम DOC डिपार्टमेंट। जी सर तो आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है सर? करंटली मैम सिचुएशन डाउन है सर, क्या हुआ? जी मैं आपको बताता हूँ मैम, करंटली एक्चुअली सीन क्या है, पीछे बहुत सारे लोग डाउन हुए, हमें कॉल वॉल आया, सिचुएशन जो हुआ है अभी तक हमें भी ध्यान से पता नहीं सिचुएशन क्या हुआ है। क्या हुआ अभी है हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सारे एविडेंस जमा कर रहे हैं और अभी धीरे धीरे जैसे आप देख सकते हो सबको पिल बॉक्स लेके जाया जा रहा है। सो जैसे हम सिचुएशन कंट्रोल होती है यार एक चश्मा लगाऊंगा, हमें पता चलता है क्या हुआ आपको हम आकर बता देंगे मैम। तो सर उसमें से आपको कोई ऐसा कोई शख्स है जिसको आप पहचानते हो सर, उसका नाम क्या है?
देख के तो वहाँ पे एक मुझे शिनचैन पता है बस, और मैं बाकी किसी को नहीं जानता हूँ। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए सर, शुक्रिया सर। चलो थैंक यू मैम। जय हिंद। जय हिंद ऑफिसर, जय हिंद। कांडा कांडी कांडा कैंडी। यार एक बात बताओ, ये कैमरे में कुछ ग्लिच हुआ क्या? मैंने कब तक यूज नहीं किया विजल न्यूज़ का कैमरा, आई डोंट नो। एकदम से चेहरा ब्लर हो रहा है मेरे भाई, मैंने नया पूरा कैमरे के सेटिंग्स चेंज किया इसमें, पता नहीं क्या करूं। एक मिनट वेट। अपने जो लेंसेज है ना मैम आपके, उनका जो थोड़ा टेक्सचर एक्सटेंडर बजट होता है ना, उन्हें थोड़ा इंक्रीज कर दीजिएगा लेंसेज का। कौन सा एक मिनट, क्या होता है भाई ये एक्सटेंडेड टेक्सचर बजट, मैम इट्स एक्सटेंडेड टेक्सचर बजट, उन्हें थोड़ा बढ़ा के देख लीजिएगा, सही दिख रहा है क्या आपको? बारिश विधेबा। अरे बाय द वे मैम, आपने एक चीज नोटिस की, इनकी एक गाड़ी लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट की है, एक डेप्यूटी शेरिफ है, लाइक सिटी के अंदर। एक तो कैमरे के सामने है ना? हाँ जी। उसका चेहरा ब्लर दिख रहा है, बाकी सब अच्छा दिख रहा है। पता नहीं फिर तो मैम, आपके थोड़े फोकल लेंथ में दिक्कत आ गई होगी कैमरे के लेंस। अभी रुक रुक, रिकॉर्डिंग है, अच्छा सीन है, रुक रुक। ओके भाई, बारिश गजब हो रही है भाई, देखोगे कच? मैं जूम नहीं कर सकता, नहीं तो मैं कर देता रिकॉर्ड। ऑफिसर ऑफिसर हुआ क्या ऑफिसर, इधर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? अभी बात कर नहीं कर सकते सर, अभी बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत सिटी खतरे में है, आप लोग ध्यान में रखना। सिटी खतरे में, हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके सर, एक काम कर दो सर, मैं अपने पास रखता हूँ सेफ्टी के लिए। तो यार रखो सर। हाँ नहीं नहीं है वो सर, मैं कहता हूँ सस्पेक्ट्स को अगर इसमें डाल देंगे तो फिर हम कहाँ बैठेंगे? एक दो तुम अदर ऑफिसर्स के साथ बैठ जाओ। ये 91 मंगा लेंगे। अरे इनको गाड़ी में आप डाल दोगे कोई, मेरे को आप गाड़ी में डाल दो। अरे घेरी आप डाल दो ना सर, डाल दो फिर उसके बाद लाइक आप किसी और ऑफिसर के साथ बैठ जाओ उधर। जाओ इसमें आएगा नहीं, फुल हो गया, फुल हो गया। ऑफिसर्स तुम उधर सामने जाओ, उधर ऑफिसर्स के साथ जाओ। तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। हाँ ठीक है, मैं कॉल देता हूँ, कोई सीन नहीं। ले 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 जल्दी बैठ बैठ बैठ। चल बताइए कहाँ चलना है? पीछे चल, हॉस्पिटल चल जल्दी। भाई पता नहीं क्या हो गया भाई, सबका चेहरा ब्लर दिख रहा, पीछे वाला को पूरा क्लियर है चेहरा ब्लर दिख रहा। अभी भी चल रहा है क्या? क्या अभी भी चल रही है मेरा? हाँ ये रिकॉर्डिंग कैमरे में मेरा रिकॉर्डिंग चलता ही रहता है भाई, जस्ट इन केस कर लेती हूँ। अरे मैं वो कुछ पूछना चाहता था, पूछूं क्या? हाँ जी हेबा मैम। हाँ पूछो। लाइक आपने एक चीज नोटिस की कि लाइक आई थिंक जो शेरिफ डिपार्टमेंट है वो तो आई थिंक सिटी का नहीं होता ना, लाइक आउट ऑफ सिटी होता है ना?
PCS or something else. हाँ. तो इनकी एक गाड़ी जो थी उस पे लॉस सेंटोस लिखा हुआ था. ओ भाई क्या पागल है, कौन है रे अंधा है. और जो दूसरी गाड़ी थी ना मैम इनकी, हाँ. उसपे बीसी, उसपे मतलब वो लिखा हुआ था शेरिफ डिपार्टमेंट, डेप्यूटी शेरिफ डिपार्टमेंट. तो लाइक तो शहर के बाहर होता ना. हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सिटी के अंदर थी. एंड आई थिंक अभी तक कुछ आया नहीं है, सिटी के बाहर कोई पुलिस स्टेशन खुला हुआ नहीं है. सिटी के बाहर कुछ हो ही नहीं रहा होगा, बोर हो गए होंगे, आ गए होंगे. ये देखिए, लियो लियो डॉक्टर, आप पेशेंट्स को अंदर ले जाइए. यार वो ने कॉल नहीं किया यार. सर हमने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया फ्रेंड्स, एनीवन पिक मी अप. चल जाना ही उधर को, इनको इनको ऑफिसर लेके चलो और डॉक्टर के साथ रहो. रायन 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 क्या कर रहा है? हां कहने क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? फिशिंग. अभी भी फिशिंग कर रहा है? कहां पे कर रहा है? फिशिंग ही कर रहा है. कहां पे, कहां पे? अब पियर पे वो बोट लेके जा रहे होता है, उसके बाद वो होता है ना तूफान. अच्छा तुम पे बोट है क्या? हम पे नहीं है वो, कोई आया रैंडम बंदा लेकर जा रहा है. तो अभी तो पियर्स पे है या बोट पे? चल रहा है, उसने बोट चालू कर दिया. लाइक कितनी दूर जाते हो? अगर मैं पियर्स पे आऊं तो लेने आएगा वो मेरे को बोट पे वापस? या वो पूरा दूर ले जाता है, इतना दूर कि तैर के आऊंगा तो एक दो घंटे लग जाएगा. नहीं नहीं, वो बोट लेके आएगा क्या वापस मेरे को लेने के लिए? वो बोट लेके मेरे को लेने के लिए आएगा क्या वापस? बोट अबे कोई रैंडम बंदा है जिसकी खुद की बोट है, उसने खरीदी है, मैं कैसे आऊंगा? अरे नहीं, अगर तू उसको बोले तो वो आएगा. अरे भाई दूर जाके बात भाई, कम से कम 15 और लोग हैं, वो नहीं है. चल ठीक है. मैक्सिमम ऑफिसर्स को अंदर भेज दिया मैंने. कुछ अटैक हुआ है तो अभी के लिए. सॉरी सर, आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं प्लीज? थैंक यू सर. ऐसा सुनने में आया है सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ है, बट अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो अभी कुछ बता नहीं सकते हैं. तेरे कोई कोजी कर रहा था इन्वेस्टिगेशन, अगर वो चीज हम बता सकते तो हम बता देंगे. थैंक यू सो मच सर. ओह माय गॉड सर, आप गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में. थैंक यू. सब सिक्योर कर लिए. देखो तो ये जो ऑफिसर है ना, इनकी जो ऐसा गाड़ी रखी हुई रहेगी ना, सब अंदर है सर, सब अंदर है. तो समझ जाने का, ठीक है, कि इसके आगे जा नहीं सकते, ठीक है. और ये हमेशा बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना ऑफिसर्स की, ठीक है. ओके ओके ओके. हां हां डाउन था सर. कभी-कभी घुस के फुटेज ले लेना, बोलना रे गलती से आ गया. अरे वो बाइक स्पीड पे थी ना, मैं घुसा दी फिर. हां कोई ना कोई लाइक बट इधर दो दो बाउंड्रीज लग गई ऑफिसर की, तो मतलब अगर अपन को, अपन न्यूज़ वाले हैं तो लाइक कुछ प्रायोरिटी होती है क्या अपन पे, थोड़ा बहुत अंदर जा सके? लाइक एक इनकी बाउंड्री इधर है एंड एक उधर है, तो लाइक अरे नहीं नहीं मतलब वही ना, पिल बॉक्स के अंदर अभी आ नहीं सकते, ये बात है. ओके भाई ठीक हो गया भाई, नाइस कांग्रेचुलेशंस. मैं बताऊं क्या इशू था, ये इसका इशू था, क्या नाम है इसका, वेदर, ये तो कैमरे का ही है ना पोस्ट इफेक्ट्स. हां हां इसका था. ओह इसको मैंने नॉर्मल कर दिए उस पे था, वेरी हाई पे. ये बारिश की आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है, इसको कम कैसे करते हैं? मैं बताता हूं. हां हां एसएफएक्स के कर दिया का हो गया ना. यब मैं बताइए जी सर, आप बता सकते हैं सर, एक सस्पेक्ट, ये काफी सस्पेक्ट ड्राउन हुए थे, हमें सुनने में आया है कि सिविलियंस पे अटैक हुआ सर, एंड ये भी सुनने में आया सूत्रों के अनुसार कि एक ऑफिसर भी डाउन हुआ है सर, आप वो ऑफिसर का नाम बताना चाहेंगे सर, क्या हुआ एंड वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था सर, प्लीज बताइए. मैम एक्चुअली हम लोग अभी उसमें इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या हुआ था. हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे, हम लोग का एक कॉल आया रेडियो पे, सो वी आर एक्चुअली द डीओसी ऑफिसर. एंड अरे एक मिनट भाई, ये इधर की सकती हो अचानक से को वो भाई फोन गिर जाता अभी. हाँ चलिए बच गया. हाँ 3 2 1 बोलिए सर.
हाँ एक्चुअली मैम आई एम डीओसी ऑफिसर रोमन जैकमैन सीनियर डीओसी ऑफिसर. एक्चुअली हमें कॉल आया रेडियो पे, सो एक इमरजेंसी सिचुएशन हुआ है अब वो रेड गड़ाज में ऊपर में. तो हम लोग जैसे वहाँ पे पहुँचे देखे बहुत सारे सस्पेक्ट्स वहाँ पे डाउन थे. ऑफिसर्स जो भी डाउन थे वो मतलब हमारे पहले उनको शायद पहुँचने से पहले उनको पिलबॉक्स भेज दिया था. तो लगभग वहाँ पे बहुत सारे सस्पेक्ट्स डाउन थे. तो हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं. फिलहाल जो भी अपडेट्स होते हैं तो वो आपको ज़रूर वो पहुँचाया जाएगा वो खबर. ओके मैम फिलहाल के लिए अभी यही बोल सकते हैं मैम यही न्यूज़. 10-4 ओके सर थैंक यू सो मच. लेकिन आपने जैसा कहा सर सस्पेक्ट्स में एक इंसान जो है वो आइडेंटिफाई हुआ था एक ऑफिसर ने बोला उसका नाम शिनचैन है सर, तो उसके अलावा कोई और आइडेंटिफाई हुआ कि कौन थे? नहीं मैम फिलहाल तो कोई भी मतलब नहीं हुए. जस्ट हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनका जीएसआर टेस्ट सब कुछ लेंगे उनमें क्या किया कि नहीं किया. तो उसके बाद आपको पूरा मतलब जब भी पूरा रिपोर्ट मिल जाए आपको तुरंत वो इन्फॉर्मेशन मीडिया को दे दिया जाएगा. ओके सर तो ये सर अभी तक प्रूवन सिविलियन अटैक नहीं है सर, अभी तक ये अनप्रूवन है कि एक्चुअली हुआ क्या था सिचुएशन. हाँ वही 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 वो एक्चुअली रीजन अभी तक पता नहीं चला बट हम श्योर है कि हम लोग कुछ ना कुछ इसका मतलब जो कारण है वो जो भी है वो हम ढूंढ लेंगे. ओके सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू. ओके मैम थैंक यू. ऑफिसर आप मुझे अपने नंबर दे दीजिए इन एनी केस अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा. ओके श्योर ठीक है. यप ओके थैंक यू. हाँ बेटी पुलिस के नंबर रख ले फायदे में रहूँगा. कोई नहीं आ जा आजा सब पानी पीने का बहाना करते आजा. सर हमने इनके लीथल ले लिए तीन लोग थे और लो इनके लीथल वीथल सब ले लो यार हुआ को मार रहे हैं यार सब ले लिया सर सब ले लिया. हमारे पास पूरा इन्फो है मैं आपको बताता हूँ. मैं वही बोलने वाला हूँ यार हमारे पास गन्स नहीं है उसका फायदा उठाया जा रहा है चाकू मार रहे सीधा पेट में. सर मैं आपको बताता हूँ इसका क्या और भाई क्या हाल है. अच्छा अच्छा मिले थे ना अपन क्या नाम था तुम्हारा अपन कब मिले. केनेथ 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 राइट. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. अरे टैक्सी राइड दिया था ना यार आपको. ऑफिसर्स क्या हो रहा है यहाँ पे क्यों लगा रखा है ये सब पता नहीं. सर्च किया था वो जरा बताइए सब कॉर्पोरेट करना पड़ेगा सब के सब अपलोड डाउन कर रहे ठीक है. तो भागने के सिविलियन जो अंदर आ रहे हैं उनको रोकना है किसी को जितने भी आप सिंचन के साथ जो भी ये तो ऑफिसर आप पीडी गाड़ी पे बैठेंगे और आपको हम पीडी लेके जाएंगे फिर उधर जाके बात होगा ठीक है. ठीक है आपका जो भी कंप्लेन है आप या फिर आप विक्टिम या क्राइम सस्पेक्ट जो भी हो पीडी जाके बात होगा. तो प्लीज़ कॉर्पोरेट करिएगा यहाँ पे हॉस्पिटल है बाकी पेशेंट्स भी है तो प्लीज़ थैंक यू. हाँ वही तो बोल रहा हूँ तुमने ही तो किया है. इन लोग बोल रहे पाशा कि तू ही मारा पुलिस वाले को. हाँ हाँ बताइए. पांडे बोला खड़ी रहने दो. ऑफिसर्स ने कहा खड़ी रहने दो ऊपर कर रहे पा एंटर करने के लिए मना किया अभी हाथ ऊपर कर पांडे. देखते अभी इनको लेके निकल जाएंगे. फोन से कैसा कफ कर रहा है हावले. हाँ हवा में कफ कर लिया दे रहे थे. जादूगर है इन्हें पांडे. अरे ये तुम्हारा सस्पेक्ट था ना वो रहा वो है ना तुम्हारा. जेलो सेंटोस इंडे सर. जेलो सेंटोस जय इंडिया. बिग फैन वाला. चलो चलो मियां मैंने तो सर्च नहीं किया. बिग फैन क्या है भाई. अरे यार तुम ठीक है ठीक है. हां मैं आ रहा हूं पीडी आ रहा हूं. चलो इन्हें एस्कॉर्ट करूं. चलो अरे तुम कौन 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 सा बंदा लेके आया था उनको दे दो. एस्कॉर्ट मत करो चलने दो. ये मेरा चल रहे इनको चलने दो जो चल रहा है चलने दो. बोलो सर आप चलने दो छोड़ दो. अगर भागे तो फिर कब करेंगे नाम ले लिया लायक होंगे तब भी कब करेंगे. चलो चलो आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ. तुम सस्पेक्ट हो क्या. हाथ ऊपर. अरे मैं नहीं हूँ सस्पेक्ट पांडे सर मैं न्यूज़ से हूँ यार.
मैं उधर ही क्यों देख रहा हूँ? सबको लेके चलो, सबको गाड़ी में डालो, यहाँ पर रिपब्लिक डे हो रहा है, यहाँ पर ये लोग कत्लेआम कर रहे पुले। दिस इज व्हाट इट इज हेबा। क्या कहूँ मैं हेबा, रुक जा, एक्शन सारे आ जाएंगे तभी चलते हैं, पोजीशन ले दो। ऑफिसर जिलन, कैन यू प्लीज रिपीट आपने क्या कहा? ये रही रुको भाई, रिकॉर्डिंग करी, बाद में हाँ, करो फोन तो ना करो फिर। हाँ चलो, अच्छा 3-2 सवाल पूछो। 1 शिंदे सर, आपका इस सिचुएशन पे क्या कहना है सर? ये सिविलियन अटैक है, पीडी पे भी हमला हुआ है सर, ये सब सुनने में आया सर, बताइए। क्या कहूँ मैं, मेरे दिमाग की माँ बहनों का ये अच्छा खासा, मैं आया था अपना मूड लेके के मैं यहाँ पर यार कुछ स्पीच दूँ, रिपब्लिक डे इतना बड़ा दिन यार, 26 जनवरी हमारे लिए, आधे तो मैं पूछ रहा हूँ ये जो आपस में कत्लेआम कर रहे, आधे से ज्यादा इंडियन है ये लोग, इनको जरा शर्म नहीं आ रही कि ये मत भूलिए आप इंडियन है, दिल से इंडियन है, अगर आप लॉस सैंटोस आए उसका मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा दिन भूल जाए। अरे भाई, और ये लोग पता नहीं मार कायकू रहे यार, वो प्यार से जो बात हो सकती है उसमें मार पीट कायकू, मेरे को नहीं समझ आ रहा है बा, मैं इन लोगों को बिन कफन के दफन कर दूंगा अगर मेरा मूड खराब हुआ है। आई एम द एंग्रीस्ट कॉप ऑन दिस सिटी, कंट्रोल सर, बाकी नो कंट्रोल, नहीं हो रहा मुझसे कंट्रोल, नहीं हो रहा मेरे से कंट्रोल यार। ये आए दिन ये जो सिंचन भी पीली चड्डी वाला भाई लड़का, इन्हें रोज आ जा रहा किसी को चाके, वो चांद लाल उसकी गाफ लाल कर दूंगा पीडी में मार मार के, उन्हें जब देखो मोटा किसी को मार रहा। दो बाइक वाले काले पीले हरे नीले ये लोग कपड़े पहन के आपस में लड़ रहे, भाई मत लड़ो मेरे भाईयो, मेरा यही कहना है, हम लोग आपकी रक्षा करने के लिए आए है, प्लीज हम लोग को पीसफुली रहने दो, आप लोग आप पीसफुली रहो यारो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो गया यहाँ पर किस्सा, प्लीज। एंड मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को आई लव ईच एंड एवरी वन, ठीक है मिया, और हे भाई ये चीज रुकनी चाहिए, ये चीज रुकनी चाहिए, मेरा लास्ट वार्निंग है टू ईच एंड एवरी वन, कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर आज के मेरे को कोई भी ऐसी अंड संड हरकतें करी ना, खंबे पे टांग के तुम्हारी मारूंगा मैं, की आग, हमारे पीड़ी okay, वाले को छुरियां मारी जा रही है, हमारे ऑफिसर का नाम बता सकते जिसको चार लोग को छुरी पड़ी है, अभी गाफ पे दो लाइन हो गई उसकी गाफों में, खून पे खून, किसने मारा सर उसका नाम बता सकते हैं आप? उसका नाम अभी रिवील नहीं हो पा रहा है हम लोग का, उसको सस्पेक्ट में दो सस्पेक्ट पकड़े गए, दोनों में से जिसका नाम आएगा वो हम आपको रिवील जरूर करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। तो सर ये चीज कंफर्म्ड है कि ऑफिसर शर्लॉक रॉजर्स के गाफ में गोली मारी गई है? नहीं, गाफ में मतलब वार मारा है, वार तो एक मारा गया है। हाँ, तो उसकी गाफ दो हो चुकी, एक वार एक लाइन होती है, अब दो लाइन हो गई, अब पता नहीं वो दो लाइनों को क्या करेंगे। अरे पता लगा शिंदे से चार चाकू मारे लेकिन, अच्छा सिलवा दिए, तो सूत्रों के हिसाब से पता चला एबा कि हाल ही में डॉक्टर ने एक लाइन तो सिल दी उनकी जिसमें छेद हुआ था। सर की ऑफिसर्स पे हमला हो रहा है सर, वो भी आज का दिन, तो आपको क्या लगता है सर? क्या बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ सर कि आप ये जो कह रहे हैं मतलब कि आज का दिन एक ऑफिसर पे हमला हुआ सर, तो ऐसा फ्यूचर में होते रहेंगे ऑफिसर्स पे हमला? देखो ऑफिसर रहेंगे तो जरूर, नहीं नहीं ऐसे ऑफिसर की बात नहीं है, वो ऑफिसर बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, वो प्यार, ये देखिए बीच में आपके जो बीच में लेके आए हो ये बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? ए, मत बोलो ना, शांत बैठो, मेरी न्यूज खराब किया ना वो, अच्छा अरे मैं हाँ शिंदे सर आप बताइए आगे भी ऐसा होता रहेगा कि ऑफिसर्स को मारेंगे? देखो यार मैं तो यही कहूंगा जो ऑफिसर को तुम लोग मार रहे, आज हम लोग शांत थे, प्यार से पेश आ रहे क्योंकि हमारे हाथ जो है बंधे हुए, ये मत भूलना कि कानून का हाथ और समान बहुत लंबा होता है, कहाँ घुसेगा समझ नहीं आएगा तुम लोगों को, हॉस्पिटल है ना। हाँ तो अगर हम लोग भड़क गए ना यारो तो हम लोग भी अपने पे आ जाएंगे, हम लोग को बोला गया है कि सिविलियन से प्यार से पेश आइए, प्यार से पेश आइए, हम लोग प्यार से सर मैडम आपा खाला सब लोग हम लोग बात कर रहे, लेकिन तुम लोग पुलिस को मार रहे रे भाई, फटी गाफ ऑफिसर वो रे है बा, हाँ ये हमारे प्यारे ऑफिसर जिनको पीठ पे गोली मार रहा है, अरे एविडेंस की फोटो लो उनकी पीछे, हाँ उनकी एविडेंस। नहीं नहीं अभी तुम लोग यार तुम लोग क्या रहे, हॉस्पिटल से निकला रे, कैसा इंसान है रे, चुप बैठो ऑडियंस आ जाती है। बाप पहले ही बोल रहा है भाड़े के टट्टुओं को मत लेके घुमा करो। अरे मैं नहीं लेके घूमती भाई, नहीं डिस्टर्ब होता यार,
आदमी इंटरव्यू दे रहा है, क्या दे रहा है? अबे मैं नहीं जानती यार ये लोगों को। आओ तो मैं यही बोल रहा हूँ, हे बापिया एक सेकंड, मरफा क्या मरफा करूँ इधर मैं? अरे देखो भाई न्यूज़ खराब मत करो यार। अच्छा इसी न्यूज़ में कुछ ऐड ऑन करना है? 4-5 घंटे घूमती हूँ तब जाके एक बेचारे को एक हफ्ते में एक दिन एक रील मिलती है, उसको शूट करने दो। लो रे भाई 5 घंटे में 10 मिनट मिलता है यार, करने दो यार। अरे मुझे ऐड ऑन करना है इस न्यूज़ में सिविलियन की तरफ से। अरे तुमसे पूछ कौन रहा है? चुप हो जा जी भाई, चुप हो जा। सवाल पूछो ये बात, सवाल पूछो। हाँ चलो रुक। एक सवाल, उसकी गाफ के छेद सारे बंद हो गए हैं कि क्रैक है? तेरे अप्पा का नहीं करा रहे, हाथ लगा के देख रहे, जा हाथ लगा के देख, पता चलता तेरे को। ये पर सवाल सवाल क्वेश्चन। हाँ तो ये बाप बोली, आप ऑफिसर शर्लोक की ऐसी हालत देख के आपको एज अ पुलिस ऑफिसर कैसा लग रहा है सर कि आज आप अपने भाई, अपनी एक फैमिली होती है सर पीडी, उनके साथ ऐसा हुआ है तो कल को आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है सर? क्या हुआ? ऑफिसर शर्लोक आपके पीछे खड़े, उन्हें ठीक से खड़े होना नहीं आ रहा है सर, हम देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे में। हाँ। शर्लोक सर अगर आप आ सकते हैं सर तो आ जाइए। अरे उन्हें व्हील चेयर पे ले आओ भाई। देखो यार हेबा, सबसे पहले जब मैं सुना मेरे पुलिस वाले को ऐसा वार मारे मेरे, अब देख ये इनके तरीके हैं ये। इधर तुम सभी निकलो यहाँ से। यार मैं पैर पड़ी हूँ यार, प्लीज खराब मत करो यार, माँ कसम 6 घंटे वो इतना मेहनत से कर रहे हैं। किसी का खराब क्यों करते हो? ठीक है यार, आप लोग बहुत अच्छा है, हो 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 माय गॉड, अब उसको भी करने दो यार, रूम भी करनी है भाई। चलो 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 चलो, कंटिन्यू कंटिन्यू कवर, सॉरी सॉरी मैम सॉरी, कंटिन्यू सॉरी सॉरी कंटिन्यू। पूछिए बा, तो मैं यही बोल रहा था, आपका सवाल आप पूछ रहे, आपको कैसा फील हुआ? मैं तो पहले बोलूंगा मेरे बाल रंगील हो गए ये सुन के भाई, मेरे आदमी, मेरे पुलिस वाले को, मेरे ऑफिसर को, एक होनार ऑफिसर को बीच कहाँ मारा सर लोग तेरे को? कोखा किस जगह मारा? रेड गैराज के ऊपर, रेड गैराज के ऊपर। बाकायदा वो बेचारा पेट्रोलिंग करने गया था, उसको बहाने पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा पुलिस वाले ने उनको रोका होगा, उन्होंने वार मार दिया। अरे भाई सिविलियंस लोग हम आपके लिए यार मेहनत करते यार, अपने पीठ में गोलियां खाते आपके लिए यार, फिर आप लोग देखिए एमी एमी वॉटसन क्या लो तेरा एमी वॉटसन। सिंधे जी आप इंटरव्यू दीजिए अपना। ऑफिसर शर्लोक, इतने अभी हॉस्पिटल से निकल के भी आए सर कैमरे के सामने, हम दुआ करते हैं कि आपकी रिकवरी जल्द से जल्द हो, आपकी सेहत जल्द से जल्द अच्छी हो सर। तो सर आप बताना चाहेंगे सिचुएशन एक्चुअली हुआ क्या था ना, आप पे हमला किसने किया था सर? I'm really sorry madam, investigation होगी अभी, उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। चलो I have to leave। सर evidence की फोटो लेनी है, पीछे गाल दिखा दीजिए। चलिए शिंदे सर, थैंक यू थैंक यू। अरे यो वेलकम एबा, मैं तो यही बोलूंगा कि आप जब भी न्यूज लेने आओ तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप, हम भी अपना स्पीच देना चाहते तो आप अकेले आया करो यारो, है ना? अरे मैं अकेले आई थी भाई, मेरे साथ पिल बॉक्स तो सर, पिल बॉक्स पे तो कोई भी आ सकता है ना सर। अरे आ रहा है तो बेचारी न्यूज ले रही है, उसको तुम लोग क्यों बीच में कप कप कुप कुप कर रहे हैं? अरे सर उसमें हमारा बस थोड़ी चलता है। अरे भड़क गई तो कैमरा वैमरा मार देगी वो। सुनो शिंदे सर, उनको बोलो थोड़ा लेफ्ट में चले जाओ, गाड़ियां निकाल ली, चलो लेफ्ट में आ जाओ। हाँ सर एक और क्वेश्चन था आपकी, बताइए जब सिविलियन वेलकम है चोट लगती है तब तो ऐसे बैरिकेड वगैरह नहीं लगाए जाते, सिर्फ पीडी के लिए क्यों इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? सिर्फ पीडी के लिए स्पेशल बैरिकेड लगा दिए, इतना सारा सब कुछ तमझम हुआ, कोई सिविलियन अगर चोट लगती है तब कुछ नहीं होता? सिविलियन शहर के लिए जान देता है, हम लोग देते हैं। अरे सर जान नहीं, नहीं मेरे को बताना एक बात, सिविलियन नहीं, एक सेकेंड, सिविलियन आप लोग देश के लिए लड़ते हो या हम लोग लड़ते हैं? हम लोग गवर्नमेंट के आदमी है, आप लोग है, बताओ मेरे को, सच्ची बताओ, ये आंसर का तू जवाब दिया मेरे को। बिल्कुल आप हैं भाई, भाई बोलने से नहीं होता है, अपने दिल में होना चाहिए कि मैं देश के लिए मैं जान दे दूंगा। तुम लोग एक पुलिस वाले जो जान देने का उसकी गाफ ले रहे पता है। नहीं सर अभी अभी कल परसों भी है ना, याद है मेरा भी, मेरी भी सूजी हुई थी अंदर, आपने खुद देखा था। तुम्हारी भाई तुम कोई, तुम क्या यार, तुम कौन हो तुम यार? एक आदमी है भाई, एक इंसान हो आप, हम भी इंसान है भाई, लेकिन हम देश के नागरिक है, हम लोग सर्वेंट है, तुम नौकर बन जाओ इधर शहर के, कर लो भाई, तुमको भी हम इज्जत देंगे यारो। ये वर्दी कमाई जाती है यारो, ऐसे भीख में नहीं मिलती अपने को ये वर्दी यारो, बहुत पापड़ बेले हमने ट्रेनिंग ली इसकी, प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर है हम लोग। अरे चुप,
अरे टोक्यो ही बिल बॉक्स क्या पे होगा क्या हुआ बोलो भाई क्या हो गया हां बताऊंगा कुछ नहीं बारिश है ठीक है चलो गाइस मैं बोल रहा हूं आधे घंटे में मैं ट्वीट करूंगा तुम लोग पीडी के बाहर आ जाना सबको बर्गर मेरी तरफ से और हम झंडा लहराने वाले अरे बिल्कुल झंडा लहराने वाले बिल्कुल इंडिया का होना चाहिए चलो सबको पांच पांच बर्गर मेरी तरफ से लेट्स गो अरे बिल्कुल पूरा देश लेके आएंगे अपना कैमरा लेके पहुंचना आधे घंटे में ट्वीट करूंगा हम लोग अरे बिल्कुल बहुत कुछ करने वाले हैं ठीक है पीडी के बाहर ठीक है सर 26 जनवरी को शुभकामनाएं अरे मेरे को छोड़ के भाग गए तुम आ जाओ पीडी वाले भाग गए ये देख ये आदमी अपनी जान पे खेल के यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा कोई बाहर बैठो छतरी पे आ जाओ सर टकला गीला हो जाएगा आपका छतरी के नीचे आ जाओ भाई तू बाइक पे बैठ जल्दी से जरा मेरे को पीछे बैठना है मेरे को 2 मिनट का काम है इंपॉर्टेंट हां जी जरा 2 मिनट काम करके ही रुक जा कोई दिक्कत नहीं है ये बारिश में ओ भाई वो What's थोड़ा बेलू okay. I love you baby बेलू किसके साथ घूम रही है यह है टोक्यो वो तो मेरे को भी पता है बताए तो किसी के साथ अन्य वरवाई अरे अरे आ जाओ हाँ बेबी मैं ना इंटरव्यू ले रही थी यार वो ऑफिसर की बुंड पे ना चाकू मार दी किसी ने तो वही इंटरव्यू ले रही थी ओ भाई नहीं 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 हॉस्पिटल में थी अभी पीडी जा रही ऑन द वे लीजन पे बता ना अच्छा अच्छा मैं वही आ रही पीटी आ रही हूँ रास्ते में हो आ रही हूँ कहाँ जाना था रे अपने को अरे फ्यूल भरवाना है थोड़ा भाई बहुत भागना पड़ता विजन न्यूज में देखो भाई यही है मसला और किस किस का कॉल आया था मेरे को आई डोंट नो मे बी गोल्डी स्टीव अपने का कॉल आया था स्टीव अपने का कॉल आया था ओपीक्यूआरएस नहीं 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 स्टीव अपना वाला अरे वो जेरिकन क्या कहते हैं टूल शॉप से लेना पड़ता है बाबा जी मेरा पता नहीं हां देखते हैं हेलो हां स्टीव यार वो बात करनी थी ना तुमको दो बार कॉल किया मैंने उठाया नहीं चलो कोई ना आजा पीडी आजा पीडी आजा क्या हो गया अरे 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 ओए अरे वो थोड़ा पानी है तो गाड़ी फिसल रही लग भाई ठोकेगा स्लिपरी स्लिपरी अरे आप सेफ हो यार मेरे साथ आप क्यों डरते हो जब भी कैनित के साथ हो ना तो नो डरना वाह राइम हो गया थोड़ा थोड़ा आपका काम हो गया वैसे जो जाना था आपको 2 मिनट नहीं 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 वो कैंसिल हो गया था यार क्या कर रहे हो टूल शॉप हुआ करता था इधर आई डोंट नो टूल शॉप है इधर इधर है इधर ओह हाँ भाई फ्यूल कैन है ना ये क्या हुआ भाई डरे जल्दी आइए बैठिए 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 एवा मैम हेलो लाइक
वैसे विजुअल न्यूज आप संभाल रहे तो थोड़ा गवर्नमेंट से डिमांड एक बार रखना कि लाइक कोई गाड़ी आ सके तेज चलने वाली जिसके अंदर विजुअल न्यूज की गाड़ी है खुद की, बस वो पूछा था मैंने गवर्नमेंट से मेल पे, उन्होंने कहा कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा लाइक टेस्टिंग वेस्टिंग में? पता नहीं का वो भी है और चॉपर भी है वैसे, टेंशन मत लो। ओके लाइक बट गाड़ी एक होती है तो ज्यादा प्रेफरेबल होती है ना जो चॉपर से, चॉपर कहीं भी अपन लैंड नहीं कर सकते। नहीं नहीं मतलब मैं बता रही हूँ भाई, चॉपर भी है गाड़ी भी। ओ अमीर है विजल न्यूज। लाइक मैम सैलरी की बात कर लेते देखो विजन न्यूज़ में मेरा डेजिग्नेशन क्या है मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को बताया नहीं गया। हाँ जी हाँ, नहीं बताया मेरे को, बस इतना पता है $80 सैलरी मेरी। कितनी सैलरी? $80 $80 लाइक ओ मैं मिलती रहती होगी आपको? हाँ मिलती रहती है, कुछ नहीं भी करे तो मिलती रहती, टेंशन नहीं। बट देखो ऐसा बोलना नहीं पड़ता। हाँ जी हाँ जी, देखो सर मतलब देखो कितना घूम रहे थे अपन सब, जाके एक न्यूज मिली। अरे ये क्या चीज है यार, यार मैं पैदल ना भाग जाऊं इससे अच्छा पीडी। मैं तो फुल ट्राई कर ही रहा हूं। आपके पास मैम कैश होगा $50? भर रही हूँ, रिफ्यूल हो रहा है। मैं फिल पहली बार भर रहा हूँ ना, मेरे को इतनी जरूरत पड़ती नहीं है भागने की। कोई बात नहीं। वो मेरे को वो नहीं पता था कि वहाँ से रिफ्यूलिंग के बाद भी पैसे लगते हैं फ्यूल भरने के। अच्छा हमको भी नहीं पता था, मैंने जस्ट गहरी आंखों से देखा तो पता चला हो जाता इधर। बस कुछ हो ना भगवान करे। चल्लू बाइक में फ्यूल भर रहे हैं अपन, बच गए। भगा ले लो, फ्यूल तो भरा नहीं गया भाई। लग गए लग गए लग गए, आपको बैठना था पहले। 15% तो 15% में क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं होगा ना। चल भागते हुए चलते आजा, रुक जाओ 15% में लेते हैं, छोड़ो बैठिए कुछ तो चलेगी। मैं बैंक से निकाल लूंगा पैसे फिर भरूंगा कुछ दिनों के बाद भाई। एक बार गाड़ी आ जाए बस, रीजन इसकी शांति हो जाएगी। अरे पीडी पीछे है। एक मिनट $50 निकाल लूं, जरूरत अपन को ही पड़ेगी। आइए बैठिए बैठिए बैठिए, मौसम काफी अच्छा हो रहा है, सर्दी ना हो जाए बस। अरे लोग कहाँ है भाई, लोग होने चाहिए थे। उन्होंने बोला था लाइक हाफ एन आवर में वो आपको कॉल करेंगे या ट्वीट करेंगे। मैं भी आहाना ने बोला ये। सर हम आपके बात पे विश्वास कर सकते हैं, अगर उन्होंने कुछ तुम पे कर दिया इसके लिए। नहीं नहीं आई हैव विटनेस। ये वीडियो एंडिंग के लिए एक रिकॉर्ड ले ली थी यहाँ पे, वीडियो एंडिंग का लिया नहीं ना मैंने रिकॉर्ड लिया। लाइक वो पीछे एक बोर्ड आता है वो भी ले लीजिएगा, उस पे लिखा रहता है पीडी डिपार्टमेंट। चप अंदर लाइक, पर इसमें म्यूट भी तो हो जाता है लाइक। चल नेचुरल साउंड, चलो क्या ही करें, होता है होता है।
एक दूजा जीत रखा दूजी जेपी रोंद रखा नचदे नजारे रल मिल लिखे तेनू वल लिखे तेरे यारे ते यारे नचदे नजारे रल मिल लिखे हिलड़ लिखे तेनू वारे हो गया हाँ। एक चलने कहीं अब दूसरा न्यूज़ बनाना है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन ऑफिसर शिंदे ने लोगों को दिया बर्गर पार्टी तुम्हें जाना यार तो ऐसा चले जाओ ना ना नहीं मैं पूछ रहा था कहीं और जाना है या फिर मेरे जाना ब्रो यप यार मैं खांसी की वो सिरप नहीं पी सकती यार उससे बहुत नींद आती है बाद में पीना पड़ेगा वो पीती हूँ ना अंदर खड़े हो जाइए थोड़े या फिर अम्ब्रेला ले लीजिए सर्दी है बाहर उफ उफ तेरी अदा टना टटा टना टटा टा 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 रा टटेरा टटन इस चीज को हटाओ यार ना ना तो कहाँ पे जब तेरा हो जाए ना कि तेरे से एक बात करनी है मेरे को ठीक है वो तो जब लगेगा ना तो बताना ठीक है नहीं तभी तो मैं बोल रहा हूँ जैसे टाइम मिले तो बताना अरे मैं फोटो खींच रहा हूँ कोई वो मूवी नहीं बना रहा पोज मारने में कहीं जाता है फोटो वाले पोज दे देते थोड़े एक हां और मेरे को बोल देना लास्ट वाला पोज गजब ही था हां भाई गजब ना भाई गजब तुमसे माइकल ने बात करी है कुछ इवेंट के बारे में माइकल आ गया नहीं बात करी क्या अभी तक हां मेल तो भेजा था कुछ इवेंट के लिए विजन न्यूज़ लाइक मीडिया पार्टनर मेरे को कुछ बात करनी है मीडिया पार्टनर बनाना है अभी ये कर लेना भाई तब से मैं आऊं या फिर लाइक मैं फिशिंग ही कर लेता हूँ जब तक थोड़ी अभी भी फिशिंग कर रहा है क्या हाँ हाँ बीच समुंदर में हूँ बता बीच समुंदर में तो क्या ही बोलूंगा भाई मैं नेटवर्क ढंग से पकड़ रहा है ना बीच समुंदर में ऊर के भाई खंबे पे लटका हूँ चल ठीक है भेजो तेरे को लोकेशन भाई मैं वहाँ आ नहीं सकता ना लाइक पियर्स तक तो मैं आ जाऊंगा बट उससे आगे मैं आ नहीं सकता ना तैर तैर के वही सीन है कितना कमा लिया पैसे वैसे कमा रहे हो ना तुम पैसा ही पैसा ही चलो ठीक है अभी एनएफटी लिया आज रिकवर भी करेंगे देखियो चलो एंजॉय एंजॉय चलो ओके भाई नच दे ने सारे रल मिल के मुझे शिम्बे क्यों होया खाली रोटी ये बारिश आ रही है जा रही हेलो जी जी हेलो क्या नाम है आपका
केनिथ केनिथ हाय केनिथ आ गए सर हम लोग कैसे बुलाया आपने अरे फोन पे ही तो बुलाया कैसा है अंग्रेज बड़े दिनों बाद बड़े दिनों बाद बड़े दिनों बाद अभी वो सब ठीक है अरे कल इतने मिस कॉल देके फिर फोन ही स्विच ऑफ कर दिए अब बिजी हो गया था मैं यार अंग्रेज अब मेरे को ये बता भाई हाँ तू हथकड़ी इधर सबके सामने नहीं 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 वो हो गया सब हथकड़ी पहना रहा नहीं नहीं हथकड़ी तू पहना रहा ठीक है और उसके बाद मेरे को कॉल करके बोल रहा कि भाई इसकी हथकड़ी आके खोलो ये क्या है तेरे तेवर यार ये मैं क्या करूं मैं कब तक मैं तेरे को प्यार से रखूं यारो ओ ये तो अपना टोरा है टोरा गाफ में भौरा अभी डाल दूंगा अंदर जाके ठीक है ये सब मत करो यारो ये काइकू बेचारा नया आदमी आया उससे दोस्ती यारी करो काइकू तुम लोग कर रहे प्रैंक नो प्रैंक इनाया से सॉरी राइट नाउ सॉरी बोलो उनको एंड्री को एंड्री प्लीज मूव देयर एंड्री को देखो एंड्री सर आप सॉरी बोलो आपने एंड्री कैसे बुलाया अरे भाई एंड्रयू देखो सॉरी बोल रही पोटी तुमको सर सर थोड़ा टोक्यो को भी बोल ले तो भी टोक्यो को सॉरी बोलो टोक्यो को तो बोला टोक्यो को तो बता दिया था फिर से बोलो मेरे सामने आए सॉरी क्या हो गया कोई सीन देखो यार अंग्रेज कुछ नए जब आते हैं पोटे उन लोग काइकू सता रहे तुम लोग यारो ठीक है अभी ये केस कर देता तो मेरे को बहुत एक्शन लेने पड़ते तुम लोगों पे हैंड कप उसको कर दिया आदमी पे यारो मिले थे एक्टिंग करने के तो फोन दिया वो $100 क्या हरकत है तुम्हारी खाला तब तक तुम्हारे ये रक्षाबंधन पे तुम राखी बन के गलती क्या मैं तुम्हारी भाई बहन करो ये सब हरकतें यारो एक्टिंग कर रहे थे अच्छा वाला एक्टर थी उसके उसने वो देखो भाई सब मत करो ये देखो एंड्रयू अच्छा लड़का है इसको आप लोग ए एंड्रयू तुमको इनकी कंपनी चाहिए दूसरे दोस्त बना के दो तुमको नहीं देखो सर प्रैंक वैंक इससे उसको लेसन मिला कोई बात नहीं एंड्रयू नेक्स्ट टाइम तुम प्रैंक करना मैं कुछ एक्शन नहीं लूंगा आप पे ठीक है जाओ नहीं नहीं ना थोड़ा एंड्रयू को थोड़ा साथ में लेके घूमो अपना भाई है ठीक है मियां एंड्रयू को दोस्त बनाने के लिए तो हमें मस्ती कर रहे उससे ठीक है थोड़ा दोस्तों में मस्ती नहीं होगी तो किस में होगी सर अभी तुम लोग सब लोग अभी तुम लोग अभी तुम लोग इधर आ गए हो तो मेरे भाइयों और बहनों चलो झंडे को सलामी दे के आएंगे आज बड़ा दिन है अपने आ जाओ टकले तू वो नॉन कॉपी बजा नहीं आता मेरे को यार अरे अरे बजाने नहीं आता यार गाना बजाता है ना हवले नहीं मैं नहीं बजाता सारी लड़कियां व्हाइट पहन लो हाँ, हाँ, सारे लड़के ऑरेंज पहन लो और पुलिस वाले ग्रीन पहनेंगे ठीक है ब्लू सर देखो सर बार बार बारिश हो रही है और व्हाइट पहनने में फिर तकलीफ सुनो सारी लड़कियां व्हाइट कपड़ा पहन के आओ जल्दी जाओ नहीं सर तकलीफ है उसमें बारिश क्या तकलीफ है यारो कपड़ा कपड़ा अगर दो तीन लेयर पहनना पड़ता है दो तीन लेयर मार के आओ ना यारो हाँ अच्छा अच्छा ठीक है जाओ जल्दी जाओ मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर अपन बनाते हो सबको मेरी तरफ से पांच पांच बर्गर जी सर तो ऑरेंज कपड़ा बना के लेना पड़ता और गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल रहा है सर गवर्नमेंट कहाँ है चेंज कर लेते हैं कहाँ है मेरे को मिला दे गवर्नमेंट से मेरे को भी मिला जो बर्गर दे रहे वही अपने लिए गवर्नमेंट भाई चलो कपड़ा पहन के आते हैं जाओ सॉल्व हो गया अभी जाओ कपड़े पहन के आओ अच्छे फुल सूट बूट पहन के आओ यारो आ रहा हूँ हाँ हाँ याद है मुझे हाँ आती हूँ पहन के आते हैं अबे गणतंत्र दिवस है ओ गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस अरे आज मेरे पास बेला की बाइक है आज भारत का संविधान लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये कौन से वाले में जा रहे हैं इधर पास वाले में ना ये पीछे तो है भाई हेपा आओ इधर ही बेबी ओयो आओ मैं चले गए अरे अरे हेबा जी आप कपड़े बदल लोगी लटका दो हाँ आप आपको कपड़े बदलने तो आज अरे 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 अरे
इंस्टेंट यार इधर पे तो सारे हैं यार वैसी आवाज आ रही भाई लड़कों के लिए ऑरेंज बोला था और लड़कियों के लिए वाइट अरे ये नहीं तुमको उसका वो पता है क्या वो जो लॉन्ग वाला वो है कुर्ता क्या पहनना है हाँ हाँ रुको बताती हूँ हाँ बताओ व्हाट वी हैव टू वेयर कपड़ा कपड़ा ये बंदा इनके साथ ही रहता है क्या क्या करूँ चेंज हो इधर करता मैं आओ एमपी भाई एक नंबर अभी तो उसने चेंज ही नहीं किया एक नंबर एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम मेरे को चेंज करने नहीं दे रहे ओके हां बस 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 अच्छा धक्का दिया ठीक है तो भाई खड़े रहो अब वही कपूर भाई जा रहा है मेरे को रेस्ट रूम में दो रे भाई कपड़े इधर क्या वो रेस्ट रूम नहीं स्टोर रूम है ट्रायल रूम है जो भी कहो उसको 115 टोक्यो अबे एक साथ इतने लोगों कस्टमर को कपड़े दिखा रहा है मतलब इधर तो ना टोनी छोटू अच्छा ये क्या दिख रहा है मेरे को टोनी हटो ना हमारे के चले गए यार अरे सॉरी हां कितनी भीड़ है क्यों दिख जो अभी आप भी कर रहा हूं चेंज तुम बेला ये कैसी लग रही है मेरी ड्रेस ये पुलिस की नहीं है ना जो मैंने पहनी हो सकती है देखो वो कॉलर में देखो ये पुलिस के कपड़े मत दिखा भाई ये भड़क जाएंगे अपन मफलर पहन लेते हैं वाइट का वाइट पहनो वाइट वाइट ओके वाइट सूट है क्या कोई ऑफ वाइट अरे लड़कियों के लिए है वाइट तो अभी के लिए अपन के लिए हम भी वाइट ही पहनेंगे अरे ये ऑरेंज है ना यार कोई बताएगा मेरे को ये देखो रे भाई ऑरेंज और रेड का मिक्सचर येलो ऑरेंज सब मिक्सचर फॉर बॉयज इज वाइट ऑरेंज आई एम नॉट श्योर ये क्या ऑरेंज ऑरेंज यार ऑरेंज एग्जैक्टली तो ग्रीन कौन पहनेगा ऑरेंज में फॉर्मल कौन पहनता है भाई फॉर्मल किधर है अरे ये देखो ना ये अरे बाड़ी वाले कौन सा कोट है ये हेलो छोटी वाले भाई साहब 500 हां बोलो लेकिन इसमें कोई अच्छा डिजाइन नहीं है डन यार किसका कॉल आ भी डन है अरे कुर्ती के नीचे मैंने पजामी नहीं पहनी बढ़िया अरे अरे कुर्ता है क्या अपना यारो गफूर भाई हाँ भाई कुर्ता उर्ता दिखाओ कुछ कुर्ता उर्ता बताओ यार पजामी भूल गई पजामी एमपी भाई जरा बताए तो मेरे को भी बता दो पजामी तो बड़ी सुंदर दिख रही क्या हुआ अरे बेला को देखो बेला बाय बाय अरे सॉरी पजामी नहीं सलवार ठीक है ऊपर का क्या होता है सलवार ऊपर का कमीज सलवार क्या है भाई लड़के ग्रीन भी तो पहनो कमीज तो है सेंड्रू ने ऑरेंज पहना है कमीज कमीज तो पहनो तुम व्हाइट पहन लो और देखो अंडे वाला बन सेट जाओ ये इवेंट मैनेजर है अपनी अरे इना ये देखो ये ऑरेंज है क्या तो बीच का ब्लू कौन पहनेगा नहीं बीच वाला पार्टी लग रहा है ना 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 अरे नया हट जाओ हेलो कॉप्स शर्ट बताओ ना कौन सी है तुम्हारा मिल गया यार ऑरेंज ये पहन देता हूँ उसमें व्हाइट मिल गई मस्त भाई कोई अच्छा सा वो नहीं है इसमें मफलर MP292 चेक करो ये कैसे नहीं ये वाइट नहीं है वो 292 देखो बेला के बाल है वो बीच के झंडा के बीच में जो यो है अशोका चेक करो और तो इसमें वाइट कहाँ है ना देखो पीछे क्या ठीक लग रहा है हाँ ठीक है देखो मेरा वाला सूट कर रहा है ना हाँ ठीक है ठीक है सूट कर रहा है ना मेरा भी बताओ ना यार हट जाओ अच्छा अच्छा हटी हटी ये मेरी भी मदद करना अह
शूज कौन सा पहनू रे? अरे ये कौन गए? एंड्रू अच्छे लग रहे थे, चेंज कर लिया आपने? यही था ये अच्छे शूज। अगर आपको कोट पहनना है तो वो भी पहन सकते हो। क्यों? वही देख रहा हूँ। बोलो और वो जो बिचिंग कर रहा है मेरी, वो मुझे सुनाई दे रहा है। गए गए की खैर नहीं, इग्नोर करो ना। क्या है, क्या कर रहे हो तुम? एमपी तुम अच्छे, तुमने तो कपड़े बनाना सीख लिया। सारी पीढ़ी आज मैं उधर ही जा रही। संगत का असर है ये यार। अंडरशर्ट कौन सा पहनूं मैं, कौन से रंग का पहनूं? तुम्हारी मर्जी। अरे सुनो तो, कहाँ अकेले जा रही हो? इधर कोई सजेस्ट कर दो यार। तुम अभी तक गुस्सा हो गया? हाँ टोक्यो तो वो कर लो यार। हाँ टोक्यो सॉर्ट आउट करा दो यार। यार भाई कितना कैश चाहिए मेरे को, कोई बता दो भाई एक बार। अच्छा रहा पैसे ही उड़ा देता हूँ ना भाई। भाई चलो भाई लेट्स गो। अरे अच्छी है ये वाली, ब्लैक पहन लो। हां चलेगा, ठीक है चलो डन है फिर। शूज वैसे शूज ब्लैक कौन सा है मेरे को दिख नहीं रहा मेरे पास। ओके अरे सब वाला पहन लिया अपन। यस यस कौन कौन बुला रहा है? इधर इधर चार्ल्स। हां हां चार्ल्स भाई कौन सा पहन रहे, व्हाइट पहन रहे या ऑरेंज पहन रहे तुम? यार मेरे को मेरे शूज नहीं दिख रहे यार। अरे सभी व्हाइट पहन रहे, मैं भी व्हाइट ही पहन लेता हूं। व्हाइट ही पहना। जैकेट कौन सा है? जैकेट 292। शूज बताना 292। अंडरशर्ट 32, शूज 10। रुक जाओ दोस्त, जल्दी जल्दी टाइम नहीं है। और नेकलेस 21। जफर भाई दिखाओ यार इनको, ये क्या पहन लिया तुम? अबे गंजे तुम क्या पहने ये? अरे ऑरेंज तो बोले यारो, ऑरेंज ही पहना भाई। ये सब क्या, थोड़ा प्रॉपर ट्रेडिशनल वे में पहनो ना ये। क्या अरे नहीं दे रहे मेरे को ट्रेडिशनल, नहीं दे रहे। ये देखो ये भी तो टी शर्ट, ये लग रहे हैं भागे हुए कैदी। नीचे भी तो भागा हुआ कैदी लग रहा है पूरा भाई। अरे अंदर बाहर सब ऑरेंज कर लिए क्या? तो हो गया तुम आया चलो। यस लव को भी बुला लो, लव। अरे फिर कोई दो तीन जन लो ना ब्लू भी पहन लो। अरे आ जाओ यार अभी हो गया जो हो गया, दो तीन लोग ब्लू भी पहन लो, हो जाता फिर अपन ही। ब्लू क्यों, ग्रीन बोल नहीं, तो नहीं तो हाँ, पता ग्रीन, समझ भी आता है। अरे पैंट क्या था? पैंट अरे वो बाल तो पहले क्या हो गया तुमको? पैंट ये पहनना 24। अच्छा भाई अभी एक्सीडेंट हो जाता भाई।
अबे ट्वीट पढ़ अच्छे से निकाला क्या? हेलो आपका नाम क्या है? नहीं सर वो क्या हुआ वो फोल्ड करके रखा हुआ पॉकेट में। कैनित भाई साहब अच्छा कैनित अरे यार हां कितनी बार बोलोगे वो वेस्ट के और टी-शर्ट के बीच में रखा हुआ है लो आपके पीछे से निकाला मैंने भी उन्होंने बोला ना वो कपड़े बदल वापस रख दो हां तो दस बदल क्या है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अबे टोक्यो और रीना एक साथ गई क्या? नहीं वो उधर ही हैं सब उधर ही हैं शॉप पे ऑफिसर ऑफिसर हां वो गाड़ी में गए थे ना बोलो आगे बोलो ऑफिसर के आगे बोलो आगे कुछ होगा ना पढ़ने सर। और डूड तुम्हारा क्या नाम है? डूड मेरा नाम एंटोनियो मुझे कंप्लेंट लिखानी है। नहीं मेरे को तो किसी और के लिए करनी थी छोड़ मुझे कंप्लेंट लिखानी है। गुड नेम बेटी नाइस नेम गार्बेज कर रहा हूं मेरा गार्बेज का भी मुझे टो करने जाना था केनिट के पास तो कुछ बंदे वहां पे रास्ता रोक के खड़े बोलते टोल तो टैक्स दो तो ही आप तुमको आगे जाने देंगे। इट्स केनिट चार्ज का है टोल का टैक्स दो तो ही तुमको आगे जाने देंगे। इधर आओ रेंटल पे सबका एक साथ पूछना है मेरे को लोगों का लेना है ना इंटरव्यू कैसा लग रहा है आप लोगों को पीडी होस्ट कर रही है। अरे अगर पीडी थोड़ा शेफ वेब बुला के जलेबियां बना के देती तो और मजा आ जाता। आ हा 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 स्वाद आ जाता। रुक जा मैं बोलता हूं तेरे को। हेबा यार फोन वन करके हलवाई बिठाओ पीडी के पास। हेबा क्यों बैठाएगी पीडी एक सेकंड ये परफेक्ट हलवाई लग नहीं रहा जो पहले नहीं भाई भाई बजरंग दल भाई जय श्री राम भाई बजरंग नहीं देखो बजरंग दल भाई जय श्री राम बोलो सिया बल रामचंद्र की जय ये होता है बजरंग दल भाई जय श्री राम सब बोलते हैं हम सब। ऑकवर्ड साइलेंस क्यों हो जाती है हर दो मिनट के बाद? तुम्हारा दिमाग जाता है हम क्या करें पोटैटो दिमाग पे तुम्हारा ऐसा ही थप थप। अरे तेरी एड्रेस नहीं लगता अरे मालूम है मुझे लेकिन अभी थोड़ी देर पहनना है क्या जाता है ऑफिसर है ड्राइवर पागल होती है नहीं ऐसा नहीं सुन 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 ये घर बेला एक चीज दिखा मेरे देश की सोना उगला उगला ये मोती ये क्या था एक सेकंड रुक जा हाथ पर नहीं कर पा रहा मैं मेरे घुसने पे व्हाट द फक क्या हो गया कुछ नहीं तुम भी तुमको भी आया क्या आज तो फ्री बर्गर खाने आए सर सर तुमको भी आया क्या 47 छह नहीं नहीं सर कोई ना हाँ हाँ बोलो आगे हाँ अरे यहाँ से तो सर नेक्स्ट लोकेशन मेरा था रेंटल के अंदर जो गार्बेज का दो ड्रम रखे हैं ना पहले स्टार्टिंग से जाना। हाँ सर मैं गार्बेज कर रहा था जहाँ जहाँ मुझे लोकेशन आ रही थी कचरा उठाना था वहाँ वहाँ से कचरा मैं कलेक्ट करके निकल रहा था। नहीं हो रहा करते रहे नहीं हो रहा क्या करते रहना पड़ता है करते रहना पड़ता है हाँ 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 देख 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 आगे जा जा रुक रही है तू कर कर ये भी कितना जल्दी जल्दी करूँ थक गई मैं यही ठीक है और इतनी जल्दी थक गई नहीं भाई थक चिक्का अरे ऐसा नहीं होता सुन समझ गई मैं चुप हो जा जैसे ओडिन चलाती है वैसे चल ऐसे क्या करने की कोशिश हो रही है डिंक चिका वही दो नाचते वही और क्या कहीं चल रहा है अबे आ रहे लोग आ रहे लोग आ रहे अरे यार एक भेबा मैम एक चेंज कर रहा है एक चेंज कर रहा है एक कर रहा है ऐसे हो रहा था ना इसलिए काम करो चल तुम और बेला आ जाओ ठीक है और ये क्या बात है भाई गार्डियन हाँ आ रही नया आ रही लव आ रही सब लोग आ रहे हैं भाई फिर लड़कियों का एक साथ इंटरव्यू लेके देखो एकदम एक्साइटमेंट दिखाने की ठीक है कैमरे में क्या बहुत खुश है पीडी वालों ने ऐसा क्या है देखिए हम सब कितने अच्छे ड्रेस पहन के आए आप हमारी ड्रेस देखिए ऐसा वैसा ओ स्टीव जाके ऐसा ऑरेंज सा पहन के आना है व्हाइट या तो ऑरेंज ठीक है चलो आओ 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 हां अरे भाई आई एम सो हैप्पी इतने सारे लोग आए वाओ ओ भाई बाइकों की रैली निकल रही है यस इसको बोलते भाई सपोर्ट भाई इसको बोलते सपोर्ट अरे वो ऑरेंज कपड़े पहनो भाई ऑरेंज या व्हाइट पहनो क्या करना है अरे ऑरेंज या व्हाइट कपड़े पहनो आराम से भाई अरे डूड सीन है कि पीडी जो है ना वो कुछ 26 जनवरी पे कर रही है तो वो कह रही है कि ऑरेंज या फिर सफेद कपड़े पहनाओ रैली निकालेगा बबूस मेरे कैसा है हाँ, चल चलो मैं लेके घूम रहे हो
रैली निकालोगे क्या? मेरा नाम स्नेहा पीडी के बाहर बाइक्स पे है। अरे सॉरी, अच्छा अच्छा, मेरा नाम है सुन। आजा आजा बाइक्स पे। अबे अलेगा उड़ाएगा क्या? कैसे आके जी? ए पुलिस आ रहे। अरे बाइक गाइड लाइन लगा। अबे अरे अरे रैली है भाई, कहां जा रहे हो? अरे झंडे की सलामी है भाई, डिसरिस्पेक्ट मत करो। रुको, कहां भाग रहे हो सब? अरे तुम्हारा नाम, एक सेकंड में कोई आ जाए। और रोर कॉल ऑफिसर प्लीज कम टू पीडी रिसेप्शन। ओ सिंधे सर, क्या प्लान बनाया फिर? बस अभी कुछ बातें होगी आप लोगों से, ताकि आज जो भी कमियां है वो दूर हो जाएंगी। यार प्लीज आप लोग ये व्हाइट या तो ये ऑरेंज पेन हो, व्हाइट या तो ऑरेंज जाइए। सर व्हाइट पेन क्या होगा? मैं जाओ जाओ, ऑरेंज या तो व्हाइट जो भी है। सुनो, आने के बाद ऐसा इंटरव्यू देने का, ठीक है? सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, एवरीवन इज वेटिंग। अब यहाँ पर इंटरव्यू होगा, सब हेवा लेंगे सबका। इधर आओ इधर आओ, इधर खड़े रहो सब, थोड़ा इधर आ जाओ। टोक्यो मैम, एक तो तेज ड्राइव। हां जी हां जी मैम। मैम अपने सुनहरे बाल लेके वहां खड़े हो जाओ, घास के बाल। रेडियो ज्वाइन करो, रेडियो अभी नहीं है वो मैम। यस यस, एवरीवन इज गेटिंग रेडी। क्यों खड़ा करा है मेरे बीच में? टॉपिंग से ठीक है भाई, चलो बे। हां जी जा, मैं भी जाऊं? नहीं जाना है तुम्हें, कैमरा से आए हो, तकलीफ हो रही है? वो बोल रहे परमिशन लेना चाहिए। आ जाओ, दो तीन लोग ग्रीन भी पहन लेते ना, हो जाता काम। मस्त ना? हाँ सही बोला, मस्त लगता। दो तीन लोगों को ग्रीन पहना के नीचे बिठा लो। हाँ। अरे एंड्रयू तुम भी आओ ना। क्या अरे इधर, मैं सबसे ऊपर रहूंगा बोलता है। बिल्कुल सही है। आपने बुलाया तो कौन? टोनी ऑन टॉप बोलते हैं। और शिंदे सर क्या हाल चाल है ना? अरे आज हाँ बिल्कुल बढ़िया। आइए है भाजी, प्रेम छोटा पड़ जाएगा आज तो मैम। हाँ जी, मैं तो बोल रहा हूँ लड़कियों का एक साथ करते हैं। हाँ बढ़िया। क्या बात हुई भाई, हम अपने संविधान में ये लिखते हैं कि हम सबको बराबर मानते हैं। अरे संविधान को मारो गोली भाई, हसीना को देखो। मैम क्या नाम है आपका? कितनी गलत बात कर दी, मतलब सिर्फ दिखावे। अरे यार तुम को मारो गोली। अरे यार क्या कब हेवा जी, आप ऐसा पैसा बोल सकते चल रहे जाना, उन्होंने बोला सिर्फ गर्ल्स का ले रहे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो क्या एमपी चलो आ जाओ कैमरे के सामने। अरे ये तू से बैग से निकल रहा है, ये कौन है? इसकी से निकाले सर। माय नेम इज टोनी मोंटाना। अरे मैं तो बोलता हूं थोड़ा बैकग्राउंड में फ्लैग वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं। आओ आओ इधर आओ यार, वो इसका कैमरा। ऑरेंज वाइट करके खड़े हो जाओ, ऐसा बैठ के करो, खड़े जल्दी से आओ। ओ ऐसा क्या, इधर आओ छोटी वाले, इधर आओ भाई, आपको बैठना पड़ेगा, हम सब खड़े रहेंगे। टोक्यो के बाद में आ जाओ मैम, थोड़ा शिफ्ट होंगी आप। ऑरेंज नहीं सब वाइट ही पहनना चाहिए था। हां एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा शिफ्ट। अब कैसा लग रहा है? अब आ सकते हैं? अरे इधर वो ऑरेंज वाइट का करना था ना। अरे शिंदे सर बोले यार, ये भागे हुए मुजरिम लग रहे हो, वही बोल रहा हूं वाइट का। हां वैसे ज्यादा ऑरेंज है नहीं, या तो फिर दो, अरे दो व्हाइट के बीच से एक ऑरेंज करो ना, ज्यादा वैसे ही। अच्छा दो व्हाइट के बीच में करते हैं, ऑरेंज वाले सामने आके बैठ जाओ, लंबी है। हां दो व्हाइट के बीच में करते हैं, आ जाओ टोक्यो बाजू में, आ जाओ टोक्यो के सामने लो। अच्छा मैं इधर रहता, लंबी हूं। अरे जगह दो बीच में, नहीं मिलेगी। अरे तुम नीचे बैठो। अरे ऑरेंज वालों को आगे जाके बैठना है। अरे यहां पे करो, यहां पे आओ। आगे ऑरेंज वाले कहां कोने में जा रहे हो? थोड़ा बीच में यहां आओ, आगे आओ ना। अरे आगे पीछे खड़े रहो ना, बैठ जाओ क्या? अरे लड़कियों को आगे लो, सब लंबी है। अरे सुनो सुनो, दो लड़कियां ग्रीन पहन लो, दो लड़कियां ग्रीन पहन के आ जाओ। नहीं 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 नहीं, लड़कियां एक ही वाइट। वो टोक्यो को आगे लो, बहुत लंबी है वो। अबे टकले बैठ जल्दी। अरे तो लंबी है तो आगे क्यों आएगी, पीछे तो हाँ पीछे। अरे क्या कर रहे हो? अरे अबे टकले गुना थोड़ी कबूल करवा रहे तेरे से। अरे नमस्ते करेगा आवाज आ रही मेरी? नमस्ते करो। हाँ कर रहा हाँ, सब लोग आ जाओ। हेलो सरेंडर करके नमस्ते करो। नहीं बट हाँ पकड़ेगा पकड़ेगा, आ जाओ करो तो। ये तो तिहाड़ जेल से भाग क्या है भाई?
अच्छा अरे करने तो दो कर लो अच्छे से कर गया पाशा कपड़े चेंज कर गया अरे नहीं ये सब नहीं करना मेरे को अरे टोनी ऐसा नहीं करना नमस्ते तो करो पीछे से कोई बात मत करो नमस्ते प्लीज बात मत करो नहीं नहीं जो आगे है उनको मैं बोल रहा पैसे ही नहीं है ग्रीन और ब्लैक अबे यार न्यूज़ ले रही हूँ भाई साहब ये ब्लैक ओए भाई साहब न्यूज़ सब लोग शांत न्यूज़ जूने जमाने का आदमी रोलेगी और अब मैं जैसे ही बोलूंगी ना कि अब हमारे सामने दर्शकों आप लोगों कितनी एक्साइटमेंट हो रही है बताओ तो जोर से चिल्लाओ ठीक है क्या चिल्लाना आपके ऊपर है सुनाई दे थोड़ा कम दे क्या चिल्लाएंगे भारत माता की जय भारत माता की जय जैसे ही मैं बोलूंगा भारत माता की तुम दोनों जय आ जाओ कैमरे में आ जाओ ये सब लग रही है मेरे को लग रही है क्या कैसे किसी ही है वो हिलती है ना वो थोड़ा छोड़ो ना अब ठीक हुई हाँ और दर्शक अब हमारे सामने है शहर के लॉयल सपोर्टर शहर के बहुत ही अच्छे सिविलियंस जो इस्माइल शिंदे की ट्वीट देख के आए हैं एंड हमारे तिरंगे को लहराता हुआ देखने के लिए अपने खुद से आप लोग देख सकते हैं कि कितने क्यूट लड़कियां हैं यहाँ पे जिन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने कितने यहाँ पे लौंडे हैं जिन्होंने व्हाइट पहना है और इंडिया के कलर को सपोर्ट करे तो दर्शक आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड है आज के इवेंट को लेके बहुत ज्यादा अरे बहुत बहुत भारत माता बस भाई बहुत भारत माता की जय भारत माता की जय आप पूछो एबा अरे भाई इसे गुंडे को बिठाओ कोई तिहाड़ जेल से बात सरेंडर कर रहा है जितने भी गर्ल्स हैं आप बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने सबने मैचिंग कपड़े पहने आज सपोर्ट करने आए आज इंडिया में भाई इस बंदे को देखो भाई जो इधर बैठा है मेरे हार्ड लेफ्ट में तिहाड़ जेल का मुजरिम अभी अभी जेल से भाग के आए 26 जनवरी पे और शिंदे सर ने जो ये भी ठीक है इस 26 जन के लिए भाई गाइस चैट में बताओ भाई किस किस को ये तिहाड़ जेल का मुजरिम लगता है भाई किसी का गला काट के आए हैं सारा किया हमें मौका दिया इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर भाई ये क्या दिख गया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉस एंजेलिस में तो थैंक यू सो मच शिंदे सर और थैंक यू एवरीवन जो भी यहाँ आए हैं जो इससे दिखता है कि आप कितना प्यार करते हैं इंडिया को थैंक्स अ लॉट एवरीवन और उनके राइट में जो है मिस्टर एमपी आप बताना चाहेंगे सर कि आपने भी और आपके जो दोस्त है उन्होंने भी मैचिंग कपड़े पहने हैं सर आपके लिए इतनी दूर शहर में रह के भी आप इंडिया के लिए क्या फील करते हैं सर बताइए ये इतने दूर लॉस सैंटोस में आए हम सात समंदर पार लेकिन फिर भी देश की कमी महसूस नहीं होने देते ये देश हर फेस्टिवल हम इंडियन कम्युनिटी मिलके मनाती है और आज जो गणतंत्र दिवस हम मनाने आए आज जो संविधान हमारा स्थापित हुआ हम काफी खुश नसीब हैं जो आज हम मना पा रहे हैं इतना दूर अपने फैमिली तो ये पूरी कम्युनिटी हमें एक फैमिली जैसी लगती है और थैंक यू सो मच शिंदे सर ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए बजाओ ताली बढ़िया शिंदे सर कोई कुछ बोलना चाहता है प्लीज कुछ बोलना है प्लीज तो इनाया आप बताना चाहेंगे कि पीडी ने इतना अच्छा एक्शन लिया है कि इतने सारे सिविलियंस को वो अपने तरफ से फ्री बर्गर दे रहे हैं आज पानी दे रहे हैं फ्री पार्टी दे रहे हैं तो आपको क्या लगता है पीडी ये अपने आप को लाइक कि इतना किया है सिविलियंस के लिए तो आप पीडी के लिए दो शब्द कहना चाहेंगे मैं हमारे लॉस सैंटोस की पीडी के लिए ये बोलना चाहूंगी दैट वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस रिपब्लिक डे में जो कि डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लग रहा है एंड इतने सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं वी आर ऑल हियर फॉर दिस डे रिपब्लिक डे डेफिनेटली हमें अच्छा लग रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग कितने एक्साइटेड है सब लोग कितने तिरंगे के मैचिंग के कपड़े पहन के आए सपोर्ट दिखाने आए इतने दूर लॉस सैंटोस में रह के भी इंडिया के लिए प्यार इंडिया के लिए ताकत इंडिया के लिए सब कुछ लोगों जान देने को तैयार है लोग यहाँ पे इतने दूर सपोर्ट करने आए तो थोड़ी देर में अभी तिरंगे का सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है तो चलिए दर्शकों ये पीडी की तरफ से इन सबको ये लो और यहाँ पे थैंक यू पांडे सर एक एक फ्रोज निकाल लो इसमें से ठीक है चमेली का फूल लग रहा हो तो
रोज ले लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अब सब यही खड़े रहो, सब यही खड़े रहो, ऑफिसर लेके खड़े रहो सब लोग। ऑफिसर आप यहाँ पे सामने आके बैठो, बर्गर मिलने वाले थे, पोस्टर बनाना है वो उसके लिए, समझ जाओ। अरे दस दस बर्गर मिलने वाले थे, शिंदे सर बोले थे। आप भी आओ ना ऑफिसर, हाँ सब बैठो और सबके सब, हाँ और सबके सब फूल पकड़ो और ऑफिसर आप सल्यूट करो, सल्यूट ये ऑफिसर सल्यूट करो, तुम का फूल पकड़ लो। ऑफिसर एग्रेसिव हो गया भाई, ऑफिसर वो जेल वाले थोड़ा सा अभी थोड़ा काम में बिजी है, नहीं आ पाएंगे, फिर आते लेने यहां से निकल के। क्या खड़े रहो इधर देखो, शिंदे सर खड़े रहो, सल्यूट नहीं दिखेगा नहीं तो। हाँ खड़े हो जाओ, अभी काम करो ऑफिसर, लेफ्ट साइड में आ जाओ। चलो ये टकला है ना, उसके लेफ्ट साइड में आके सल्यूट करो। टकला टोनी आरिफ ने बोले, वो लेफ्ट वाला टकला भाई कौन है वो? शिंदे सर तुम्हारा चमक रहा है, चमक रहा है, चमक। शिंदे सर लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में आओ, महिला खूबसूरत नहीं दिख रही, आप जरा लेफ्ट में आओ। महिला आपका चांद उसके सामने निहार रहा है। हैंडसम नौजवान नहीं दिख रहा तुम्हाकू? तुम्हारी शादी हो गई ना। क्या आदमी शादी के बाद हैंडसम नहीं होता है क्या? सर आपके चांद आदमी भाई जिम जा रहे हैं, शादी के बाद हैंडसम नहीं होता, पर वो जाने से छोड़ो। बढ़िया बढ़िया, अब एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ना ऐसे ही खड़े रहो सब, ये हट बे। आओ ऊपर कैमरा पांडे जी एकदम पैन करके आएगा कैमरा। अरे अभी नीचे जाना है अपने, उधर नीचे खड़े आ रहा है सिनेमैटिक शॉट। अब वो दिख रहा है वो झाड़ एक सामने, इधर नहीं नीचे चलो, नीचे आके सब लाइन से खड़े, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पीछे। मेरा कैमरा नहीं पकड़ता, रे कहाँ भाग रहा पांडे की ना, बहुत कीड़े अंदर पता है इन्हें, यही करता हरकत है, लोगों की सुनता नहीं। इधर इधर इधर, हाँ इधर ही आके सब लाइन से खड़े रहो और सब जय वो सल्यूट करो, ठीक है? ऐसा इंडिया का फ्लैग पीछे आएगा ना, बहुत प्यारा दिखेगा। नीचे तेरा अपने पकड़ो, नीचे से कैमरा देखो, मिडल में भी हो जाएगा। इधर इधर आओ, इधर मेरे तरफ देखो, हाँ मेरे तरफ देखो, यहाँ यहाँ खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे भी दिख जाएगा। कैसे रोबे खड़े हो ना ऐसे, उधर रुक रही पर्सनली ट्रैक होगा तुम्हारा एट द रेट करके, बस एट द रेट आगे त्रिपाठी, हमका ना ही बोलना, सबको सबको एट द रेट आ जाएगा सबका। वो ट्वीट को लाइक करो, डाला है वो जरूर जरूर। बस परफेक्ट मिल गई एक फोटो, ऐसी खड़े रहो सर, आदत कर रहे। शिंदे सर अरे वो हेबा को भी लो फोटो में, हेबा को भी लो, ब्लैक वाले एक फोटो निकालो जरा ट्विटर के लिए। हाउ जबरदस्त, आई लव यू ऑल। इसको ले मैडम, आप भी आ जाओ, वो निकाल लेगा फोटो। ओ कैमरा रख के हो, कैमरा रख के हो। अरे मैंने कपड़े नहीं पहने भाई, अरे पहले तो है, अरे तो पुलिस, अरे पुलिस ने भी तो वैसे कपड़े पहने ना, क्या फर्क पड़ता है? ऑफिसर मैंने खींच लिया, किसी को खींचना है खींच लो, ठीक है? अरे हेबा आ जाओ, तुम भी ड्रोन उड़ा दो कोई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऑफिसर रे ऑफिसर सर एक फोटो निकालो जरा, ट्विटर पे डाल दो। हाँ ट्विटर पे डाल दे, अरे ट्विटर डाल दो क्या फोटो? ट्विटर से निकला सकाड़ फोन कार्ड मित्रा। रुको यार इंडियन फ्लैग नहीं आ रहा, एक सेकंड, पीछे से लो पीछे से, लोग आ नहीं रहे क्या? फ्लैग नहीं आ रहा, मुंडी मुंडी मत उड़ा दो आधे लोग का। फ्लैग नहीं आ रहा यार, हाँ हट के काम करो, गहरी आंखों से निकालो, हम देख लेंगे बाद में। बड़े कैमरे से निकालो, डीएसएलआर से। हो गई आ गया, हो गई ट्विटर क्या हुई, क्या ट्विटर आ गया, गए बाबा मेन लाइक कर दो। ओहो आगे
अरे भाई सुनो अभी ये कैसा फ्लैग आया भाई, थोड़ा अभी चालू होगा यारो और सबको हाँ, आप लोग थैंक यू आप लोग अभी स्पीच वगैरह भी देंगे अरे थोड़ा उजाला करो टैग कर दो इनको टैग करो उजाला करो उजाला करो दिख रहे हैं चार बूंद क्या मैं चार बूंदो वाला सब दिख रहे एक बार जंप करना अरे वो प्रोफेसर कैसे हो आप प्रोफेसर लव जंप करो कौन प्रोफेसर मैं जंप नहीं कर पा रही आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी न्यूज खत्री भाई तुमने शांत शांत अभी तुम लोग कहीं मत जाओ अभी स्पीच होगी क्या तुम लोगों को बर्गर पानी सब मेरी तरफ से दिया जाएगा तो आप लोग गलत हाथ खड़ा किया खत्री भाई नेशनल एंथम से एंडिंग कर लेते तो तुम लोन वही तो बोल रहा हूँ यारो कोई बजाएगा नेशनल एंथम कोई है बजाने आता किसी को क्या डेविड नॉन चॉपी देगी ना वही आई मीन टोक्यो अगर एक भी शब्द इधर उधर हुआ तो इज्जत जाएगी ना ना वही तो तभी दिखा रही भाई माफ कर दो कौन गाएगा ये पांच लोग कौन है भाई भी आए ना टोक्यो गा लो खोल के वो क्या भाई तुमने गलत बात खड़ा यार मतलब वो देख के गा दो यार दैट्स व्हाट शी सेड ये मतलब देख के वो गा दो एक गा दो सब लोग आ जाओ रे लाइन से खड़े हो जाओ वैसे जैसे थे आ जाओ बहुत फीलिंग आएगी पूरा आ जाओ लेट्स गो एवरीवन अबे टोक्यो को सामने तो आने दो फिर फिर देखो कोई भी बात नहीं करना ठीक है टोक्यो सामने आओ जब आता ना जय आ है तो सब लोग चिल्लाना जय आ है समझ रहे हो अरे नहीं 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 टोक्यो मैम अब आगे आ जाओ हमें लगा हम सही पार्टी में भाई तू तू गलत पार्टी में हाँ आप आगे आ जाओ टोक्यो आप आगे आ जाओ हाँ किधर बस बस ये खड़े हो जाओ सामने यहाँ इनके इनके सामने हाँ इनके सामने ही खड़े हो जाओ ओके क्या हाँ जा तो लियान तो कोई दूसरी स्टार है हाँ सबको बुलाओ ना कौन सा गाना गा रही हूँ इतना बताओ वो देखो अलग उधर मन मैम क्या टोक्यो टोक्यो अरे नेशनल एंथम सुबह हो रहा सुनो क्या बोल रहा हूँ नेशनल एंथम दिन में गाया था अभी रात हो गई तो अब तुम देश के लिए जो भी गाना है ना वो गाइए देशभक्ति सॉन्ग गा लो देशभक्ति सॉन्ग कौन सा याद दिलाओ सिंधे सर ए मेरी जमीन वाला ए मेरी जमीन इसको ये लिरिक्स भेजो क्या नंबर है ए वतन गा दो चलो ये मुझे पक्का है कि चलो फिर ठीक है ये लोग बातें कर रहे हैं ना तो जरा डिस्टर्ब हो गा लो लोग भी अरे शांत रहो ना वो अंग्रेज आ जा अंग्रेज गाना सुनना है मेरी बीची मत देखो मुझे कह रही है नहीं हेलो सबकी सबकी स्माइल देखो सिंधे का सैल्यूट नीचे जा रहा है अरे थक गए हैं बेचारे सैल्यूट टोक टोक बोलो मियां बोलो सॉरी सॉरी अरे इतना थके थके से क्यों अरे अब थक ही जाएगा ना आदमी सुबह से साइलेंट 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 उमर हो गई दिखने वाला क्योंकि ऊपर इंडिया का फ्लैग के लिए मैं जूम आउट कर रही हूं ठीक है काट के लगा देना फोटोशॉप से ऑलराइट गाइस मेरी आवाज आ रही है आपको ना यस चलो चलो 3 भाई शॉट कैमरा है भाई काबू रखिए ठीक है मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा ये शुभ दिन है हम सब का लहरा लो तिरंगा प्यारा ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा ये शुभ दिन है हम सब का लहरा लो तिरंगा प्यारा पर मत भूलो सी
hats of men. जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जय हिंद की सेना जय हिंद की सेना सब बोलिए जय हिंद चलो गाइस स्ट्रीम आज तक यहीं थी बस कल मिलते हैं अच्छा गाना गाया मतलब अच्छा क्या डेडिकेटेड